तो अब आ जाते हैं लॉज ऑफ मोशन के कंसेप्ट पर। देखो लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमारे पुली वाले प्रॉब्लम हो गए, नो रिलेटिव स्लिपिंग वाले हो गए, इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम हो गए, इस तरीके के जनरली पूछे जाते हैं। सारे मैंने आपके लिए बना करके रखे हैं वही क्लासरूम वाले। चलो पहले बेसिक सीखते हैं, इनर्शिया से स्टार्ट कर। देखो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट चेंज कराने के लिए ना लगाई जाए। इनर्शिया ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। अब जैसे ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने इस बी को सडनली खींचा, तो अगर हम सडनली खींचेंगे तो जो ये मास है, ठीक है ना, ये मास क्या करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये आगे मोशन को ट्रांसफर नहीं होने देगा, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए हमें टाइम चाहिए और हम इसको सडनली खींच रहे हैं। तो सडनली इनर्शिया कभी ट्रांसफर नहीं होता, सडनली उसी जगह पर लगता है। तो सडनली खींचेंगे तो बी ब्रेक होगा, स्लोली खींचेंगे तो इनर्शिया ट्रांसफर होगा, तब ए ब्रेक होगा। तो ये इनर्शिया के ऊपर बड़े सारे कंसेप्चुअल रहते हैं, ठीक है ना, आप इजिली एनसीईआरटी में देख सकते हो। नेक्स्ट आप देख रहे हो ये वाटर जेट के प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है। कहानी ये कह रही है कि हमें एक एफटी ग्राफ दे रखा है, एफटी ग्राफ का जो एरिया होता है, आप देखो फोर्स धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर कम हो रही है, इसका जो एरिया होता है, ये बहुत काम का है, वर्क एनर्जी के अंदर इसको यूज करूंगा, ये एरिया इंपल्स को बताता है या फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम को बताता है। तो कभी भी एफटी ग्राफ दे रखा हो, कुछ भी फालतू का दिमाग मत लगाना, एरिया निकाल करके चेंज इन मोमेंटम निकाल लेना, आगे चल के आपसे वर्क डन पूछेगा, वर्क डन के बारे में अभी थोड़ी देर में जानकारी दे दूंगा। अब जैसे ये देखो ये पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, जाकर के दीवार से टकराया और स्प्लैश हो गया, मतलब जाकर के फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। सवाल पूछा जाता है कितना फोर्स पाइप ने, पानी ने वॉल के ऊपर एग्जर्ट किया। कंसेप्ट तो ये होता है छोटा सा पैच ले लो, वी वेलोसिटी से चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, फोर्स निकालने के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लगा लो। जैसे ही आप लगाओगे आपके पास ये जो रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एम बाई डेल्टा टी इंटू वी, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में रो ए वी से रिप्लेस करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट आ जाता है रो ए वी स्क्वायर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स लग रही है पाइप के ऊपर, वॉल के ऊपर लगेगी इक्वल और अपोजिट, यानी कि हमारी राइट साइड की तरफ, समझ गया मेरी बात। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि पानी अगर स्प्लैश करके रेस्ट पर आ गया तो फोर्स है रो ए वी स्क्वायर, अगर ये सेम स्पीड से वापस आ गया तो टू रो ए वी स्क्वायर, एंगल पर जाकर के टकराया तो इंपल्स हो जाएगा रो ए वी कॉस थीटा, जहां पर थीटा हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन से एंगल। तो ये हमारे बेसिक इंपल्स के प्रॉब्लम हो गए। अब जैसे इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा ये पहला प्रॉब्लम है, ये कह रहा है वाटर कम्स आउट ऑफ अ पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 cm² विद स्पीड 3 m/s। तो हमें दे रखा है कि पानी पाइप से बाहर आ रहा है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ वॉल, वाटर जेट स्प्लैशेस, यानी फाइनली स्पीड हो जाती है जीरो। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वॉल, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, रो ए वी स्क्वायर हमने इसके अंदर लगाया, डेंसिटी वाटर की हमें पता है 10^3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 cm², तो 2 × 10^-4, स्पीड हमें पता ही है 3, तो आंसर आ गया 6 × 10^-1 न्यूटन, दैट मीन्स 0.6 न्यूटन। तो आई होप बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हो। इसी पे आपके इम्पल्स वाले ये वाली भी प्रॉब्लम होते हैं कि ये एक बैट है, ठीक है ना, खूब देखे होंगे आपने, ये इस बैट से बॉल आई और ऐसे टकरा करके चली गई, वी स्पीड से आ रही है और वी स्पीड से ही जा रही है, नॉर्मल से जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है ना, बॉल का मास एम है। अब ये कहता है अगर कॉन्टैक्ट टाइम, मतलब जितनी देर बॉल बैट के कॉन्टैक्ट में है, वो 0.01 सेकंड है, तो एवरेज फोर्स बता दो। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इस प्रिंसिपल से हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, और चेंज इन मोमेंटम यहाँ हो जाएगा ऑब्लिक कोलिजन है, तो 2 mv cos θ, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 mv cos θ की वैल्यू हो गई 1/√2, दैट मीन्स आंसर आ गया √2 mv। अब अगर आपको एवरेज फोर्स निकालनी है तो फोर्स निकालने का तरीका हो गया डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी आपको गिवन होगा, जो भी दे रखा हो टाइम 0.01, 0.1 आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ से रिजल्ट आ गया √2 mv डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये हो गई इस बॉल के ऊपर लगने वाली एवरेज फोर्स या पैट के ऊपर लगने वाली एवरेज फोर्स। तो आई होप सिंपल तरीके से आप इसको समझ गए होंगे कैसे हम इस इम्पल्स के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थिक रोप का कंसेप्ट, या ऐसे बोला जाए हॉरिजॉन्टल ब्लॉक मास सिस्टम का कंसेप्ट। थिक रोप मैंने कई बार पढ़ाई हुई है, वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमें ये पूरा एक सिस्टम दे रखा है, इस एंड पर एक फोर्स लगा रखी है एफ की। अब हमें किसी भी जगह पर वो टेंशन पूछेगा, वो हो सकता है यहाँ पूछे, हो सकता है यहाँ कहीं बीच में पूछे, हमारा मैथड क्या रहेगा। मैंने सबसे पहले बताया हुआ है टेंशन निकालने से पहले आप सबको सिस्टम में ले लो और एक्सेलरेशन निकालो। तो आपने जैसे ही सबको सिस्टम में लिया, अब टोटल मास हो गया m+m, एक्सेलरेशन हो गया a, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई f/m+m। अब जहां टेंशन निकालनी है वहां से सिस्टम को दो पार्ट में काट दो। जैसे मान लो मेरे को x डिस्टेंस पर टेंशन निकालनी थी, तो ये डिस्टेंस होगी मेरे पास l-x, तो मैंने क्या किया, l x डिस्टेंस पर जाके काट दिया और आइडियल स्ट्रिंग से इसको जोड़ दिया।
अब जो इस आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन होगी इस पॉइंट पर, वही यहाँ की टेंशन मानी जाएगी, एक्स डिस्टेंस की टेंशन मानी जाएगी, समझ गए। तो काटना तब है जब आप सिस्टम में एक्सेलरेशन निकाल चुके हो। अब क्या करेंगे, अब हम या तो इससे या फिर इससे इस टेंशन को वर्कआउट कर लेंगे। अब आप खुद देखो, इससे टेंशन निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे टेंशन कैलकुलेट करते हो या टेंशन में आ जाते हो एग्जाम के अंदर। तो हमेशा केयरफुल रहना, जहां कम नंबर ऑफ फोर्सेज है वहां से टेंशन निकालो। तो चलाने वाला माइनस रोकने वाला टी माइनस जीरो इक्वल्स टू एम प्लस एम टू इंटू ए। एम टू हो गया इधर का मास, ये मास आप इजिली लिख सकते हो लीनियर मास डेंसिटी कंसेप्ट से, टोटल मास बाय टोटल लेंथ इंटू गिवन लेंथ। तो हमने इसकी वैल्यू लिखी एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स और ए की वैल्यू डाल दी, तो ये मेरे पास टेंशन आ गई। अब मान लो अगर वो आपसे इस टेंशन का ग्राफ पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछता कभी, बट मान लो सनक गया पूछ लिया आपसे, तो आप यहाँ देख सकते हो दोनों की पावर वन है, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा क्योंकि नेगेटिव स्लोप है और पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट है। तो टी एक्स ग्राफ भी आप वहां पर दे सकते हो, बट ये पूछा कभी नहीं गया है, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें इस पे, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है, इस ब्लॉक का मास 10 केजी है और यहां पर ये स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग का मास हमारा 1 केजी है, लेंथ स्ट्रिंग की 1 मीटर है और हमने इधर से फोर्स लगा दी, लेट अस से दैट हमने फोर्स लगा दी 11 न्यूटन की। ये कहता है पी पॉइंट पे टेंशन बताओ, फाइंड टेंशन एट पॉइंट पी। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सिस्टम बनाओगे और एक्सेलरेशन निकालोगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई एफ डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज एम प्लस एम, मतलब 11 डिवाइडेड बाय 11 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जहां टेंशन निकालनी है वहां से सिस्टम को दो पार्ट में काट दो। अब मैंने दो पार्ट में काटा, आइडियल स्ट्रिंग जोड़ी और इस तरीके से इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक करके दिखा दिया। पीछे हो गया 10 kg, ये हो गया 1 kg, ठीक है ना। हमें यहाँ की टेंशन निकालनी है, टी कर दिया, एक्सेलरेशन हम जान चुके हैं। अब कहाँ से आसान है, देखो इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, इधर एक फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आसान है। तो टी की वैल्यू हो गई 10 टाइम्स ए, तो 10 टाइम्स ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, यानी इस टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन। तो सिंपल क्लियर और बेस्ट सवाल है, आई थिंक आप इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। इसमें ही एक और एग्जाम्पल ये वाला भी हो सकता है, ठीक है ना, कि हम इसको एम मास की और एल लेंथ की स्ट्रिंग को ऊपर ले जा रहे हैं एफ की फोर्स लगा के। तो पहली बात तो ऊपर की तरफ तब जाएगी ना जब इसका टोटल वेट से एम जी ज्यादा होगा, वरना तो फिर ये क्या होगी, नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर देगी। तो गिवन है हमने जो फोर्स लगाई है वो 2 mg की लगाई है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू भी दे दी मैंने। कहता है एक्स डिस्टेंस, जहां एक्स की जो वैल्यू है वो है एल बाई 3 पर टेंशन बताओ। सबसे पहला काम एक्सेलरेशन निकालेंगे, सिस्टम बाउंड्री बनाया, अभी कोई काटपीट नहीं करी, फोर्सेस लगाई, नीचे की तरफ एम जी लग गया, ऊपर 2 mg लग गया, एक्सेलरेशन ए मार्क कर दिया। तो इक्वेशन बन गई 2 mg माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, और यहां से ए की वैल्यू मेरे पास जी के बराबर आ गई। अब जहां टेंशन निकालनी है वहां से कट लगाएंगे, तो यहां पर कट लगाते हैं, ठीक है ना, और दो ब्लॉक में इसको ब्रेक कर देते हैं आइडियल स्ट्रिंग जोड़ते हुए। ऊपर की फोर्स है 2 mg, इनके मासेस लिखने पड़ेंगे, एल बाई 3, तो 1/3 रोप का मास कितना हो जाएगा, एम बाई 3, ठीक है ना, ये हो गया एम बाई 3, तो बाकी जो बचा वो 2 m/3 बचा। यहाँ हमें टेंशन निकालनी है, ये टेंशन हो गई। अब बड़े केयरफुल रहना, जब सिस्टम वर्टिकल हो जाता है तो इनके एम जी भी अपने अपने जगह से एक्ट करते हैं, जैसे इसका एम बाई 3 जी यहाँ से, 2 m/3 यहाँ से, ठीक है। अभी भी एक्सेलरेशन यहाँ कम नंबर ऑफ फोर्सेज हैं, यहाँ से टेंशन निकालना ईजी टास्क है। तो हम यहाँ से टेंशन वर्कआउट करते हैं, तो टी माइनस 2 mg/3 इक्वल्स टू 2 ma, और ए की वैल्यू हम जी के बराबर डाल देंगे, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 mg/3 प्लस 2 mg। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ गया 3 × 2 = 6 × 2 = 8, यानी 8 mg/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एट एल बाई 3 डिस्टेंस फ्रॉम टॉप। तो मेरे ख्याल से अब आप इसमें तो दिक्कत में नहीं आओगे, इतने सवाल मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आप देख रहे हो स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम। स्प्रिंग के ऊपर बेस्ड दो तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, एक में स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में होता है और एक में स्प्रिंग दो मासेस से अटैच्ड होता है। जैसे दोनों की पहचान क्या है, दोनों में इसमें हमें नहीं पता इनके एक्सेलरेशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, तो हम डिफरेंट लेते हुए चलते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि इसमें इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, जो मर्जी चाहिए वो ले लो। मान लो मैंने कंप्रेशन, मान लो मैंने इलोंगेशन ले लिया, तो kx के फोर्सेज अंदर की तरफ लगेंगे। अब तुरंत आप सिस्टम बाउंड्री बनाओगे, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना सिस्टम बाउंड्री बनाओगे। अब यहाँ इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होगा, इक्वेशन लिखने का तरीका होगा सिग्मा एफ इक्वल्स टू सिग्मा एम ए। हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि एफ बराबर एम ए, क्योंकि सबके एक्सेलरेशन सेम नहीं है, अलग अलग है। अब सिग्मा एफ कैसे लिखेंगे, राइट साइड पॉजिटिव ले लिया तो सिग्मा एफ आ गया एफ वन प्लस एफ टू, के एक्स के एक्स कट जाएगा। अब सबके एम ए के सम, अब इसका एम ए का सम हो गया एम टू ए टू, अगर ये राइट साइड पर है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर है तो नेगेटिव, और एम वन ए वन,
इससे हम अननोन को वर्कआउट कर सकते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम को करने का तरीका जब इस स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में ना हो। जैसे आप इस एग्जांपल को देखो, अब हमसे ये जानना चाह रहा है कि A2 का वैल्यू बता दो। यहाँ पर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, हमें कुछ नहीं पता, हमने तुरंत सिस्टम बाउंड्री बनाया, ठीक है ना, के एक्स का फोर्स लगा दिया, इधर के एक्स का फोर्स लगा दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिग्मा एफ इक्वल्स टू सिग्मा एम ए, सिग्मा एफ की जगह आ गया 20, सिग्मा एम ए में करोगे तो इसका एम ए बन जाएगा 10 और इसका एम ए बन जाएगा 10 A2। आप देख रहे हो, मतलब मैंने राइट साइड पे ही ले रखा है, सही होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत होएगा तो नेगेटिव आएगा। इसको इधर लाओ तो 10 इक्वल्स टू 10 A2 और यहाँ से A2 का वैल्यू इजिली वर्कआउट हो गया 1 m/s². अब अगर आपसे स्प्रिंग का इलोंगेशन या कंप्रेशन पूछता है तो आप किसी भी एक ब्लॉक से निकाल सकते हो। जैसे मैं निकाल के बताता हूँ आपको, मान लो ये एक्स पूछता, मैंने क्या ले रखा है, इलोंगेशन ले रखा है, तभी तो फोर्स अंदर की तरफ लगा रखी है। अब देखना, मैं ध्यान से देखना, इसकी इक्वेशन लिखूं तो -kx = 10 A2। आप देख रहे हो, ये बहुत केयरफुल लिखना, केयरफुली लिखना इस चीज़ को, ये गड़बड़ हो गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी आपकी। तो -kx = 10 × 1। अब जान रहे हो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -10/k। अब ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि आपने x गलत ले रखा है, आपने इसको इलोंगेशन नहीं लेते हुए इसको कंप्रेशन लेना चाहिए था, तभी ये बाहर की तरफ हिट हुआ था। तो अपने आप आपको साइन बता देगा कि आपसे गड़बड़ कहाँ पर हुई है। बट खैर, इससे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न्यूमेरिकल रिजल्ट वही रहेगा, बस इंटरप्रिटेशन का तरीका अलग हो जाएगा कि इसमें इलोंगेशन की जगह कंप्रेशन होगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से आप देख रहे हो, ये इक्विलिब्रियम वाला सवाल है, इसमें स्प्रिंग पुली के सेंटर पे अटैच्ड है और स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, हमें रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालना है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पहले बेसिक बता दूं, सीरीज में लगे हुए हों तो फोर्स सेम रहती है, रीडिंग सेम रहती है, पैरेलल में लगे हुए हों तो अलग अलग रहती है, ठीक है ना। अब कैसे निकालोगे, देखो ये पुली वाला प्रॉब्लम है, एक ज़्यादा एक भारी होगा, एक हल्का होगा, फोर्सेस लगाई m1g m2g और इनके एक्सेलरेशन मार्क कर दिए, ठीक है ना। सबसे पहला काम होगा एक्सेलरेशन निकालना, सिस्टम बाउंड्री लिया, टी से टी कटा, चलाने वाला m1g - m2g डिवाइडेड बाय m1 + m2 इक्वल्स टू a, हमने एक ही वैल्यू निकाल लिया। अब हम t निकालेंगे किसी भी एक ब्लॉक से। अब देख रहे हो, एग्जाम में अगर आप ये सॉल्व करने बैठोगे सड़े हुए प्रॉब्लम को तो भी टाइम ले लेगा, तो इसलिए जनरली स्टूडेंट्स को मैंने बोल रखा है यार ये सिंगल पुली वाला सवाल है ना, तो डायरेक्ट ही याद करके चलो। तो इस t की वैल्यू आप किसी भी ब्लॉक से निकालोगे तो ये आ जाएगी आपके पास (2)(m1, m2g) / (m1, m2), ठीक है ना। अब ये हमने टी तक तो वर्कआउट कर लिया, अब हमें यहाँ की रीडिंग निकालनी है। अब क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो जितनी ऊपर फोर्स लगेगी उतनी नीचे फोर्स लगेगी, नीचे फोर्स लग रही है टी और टी मिला करके 2t, तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जो हो जाएगा इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, वो रीडिंग हो जाएगी हमारी 2t के बराबर। 2t आप करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा (4m1, m2g) / (m1, m2) तो आई होप आपको आराम से समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम वाले सवाल आप ऐसे खत्म कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट इस पे बेस्ड आप ये सवाल देख लो, ये मैंने बनाया हुआ आपके लिए कि एक एक चीज करें और उसकी प्रैक्टिस होती जाए। ये कह रहा है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन बोथ केस बता दो। पहला काम, इसमें तो हम टी निकाल लेंगे, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वैरायटी है जो अभी हमने करी थी, तो हम इसका टी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो टी का फॉर्मूला (2)(m1, m2g) / (m1, m2), ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो (2)(m1, m2g) (m)(2m), तो ये बना (2)(2m²)/(3m)(g), 1m से m कटा तो आ गया 4/3 mg। तो ये तो टेंशन आई, रीडिंग नहीं है, रीडिंग 2t के बराबर होगी। तो रीडिंग इन फर्स्ट केस इज (2)(t), दैट मीन्स 8mg/3। अगर ये रीडिंग आपको kg में देनी हो तो g हटा दो, आंसर आ जाएगा 8m/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं, ये वो वैरायटी नहीं है जो अभी आप सीख कर हटे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ ब्लॉक नहीं है, एक तरफ डायरेक्ट धागा खींचा जा रहा है और एक तरफ ब्लॉक है, यहाँ थोड़ा सा पंगा है, वो पंगा ही है। अगर हम ब्लॉक नहीं लगाते, फोर्स डायरेक्ट लगाते हैं, तो ये फोर्स कुछ नहीं, बस टेंशन लाने का काम करती है, यानी ये टेंशन यहाँ 2mg के ही बराबर हो जाएगी। अब अगर आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर चलाने वाला 2mg हो गया, नीचे रोकने वाला mg हो गया, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a आ गया। तो अगर मैं सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालूं यहाँ पर, तो इस सिचुएशन में इक्वेशन बनेगी (2mg - mg) = (ma, a2) और a2 की जो वैल्यू आ गई वो g के बराबर आ गई। अब यहाँ हम अपने टारगेट से भटक गए, ऐसा एग्जाम में हो जाता है, हमें टारगेट दिया गया था रीडिंग निकालो, हम एक्सेलरेशन निकाल करके बैठे हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हैं। खैर ये मैं तो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, आप क्यों कर रहे हो, आपको तो r2 निकालना है, r2 2t के बराबर होता है, t सीधे सीधे पता तो है 2mg, तो क्यों वेट करना। तो r2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 2t, दैट मीन्स 4mg, इन टर्म्स ऑफ m दे तो 4m हो गया,
इस सिचुएशन में दें तो 8m/3 हो गया। अब दोनों की रीडिंग निकालनी है तो आप रीडिंग का रेशियो भी निकाल सकते हो या किसी भी चीज़ को बता सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि बिल्कुल एग्जाम में हमें कंसंट्रेशन के साथ चलना होता है और ऐसे सिंपल प्रॉब्लम भी अटका सकते हैं अगर हमने सही से प्रैक्टिस नहीं करी है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो सूडो फोर्स का कंसेप्ट, जिसमें पर्सन लिफ्ट के अंदर है। बहुत सिंपल है, लिफ्ट या तो रेस्ट पर है या लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हुए जा रही है, ए अप है, या लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट या रिटार्ड करते हुए जा रही है, ए डाउन है। तो अगर ए अप होगा, इस सिचुएशन में हम यहाँ पर जी फैक्टर लेते हुए चलते हैं। जैसे इस सिचुएशन में देखो, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो रीडिंग एम जी के बराबर हो जाएगी, ट्रू वेट के बराबर हो जाएगी। अगर यही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए एक्सेलरेट करते हुए, तो बस इक्वेशन जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा। अगर ए अप है तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जी प्लस ए हो जाएगी, मतलब सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। और अगर ए डाउन है तो यही हो जाएगा जी माइनस ए। तो हम सिंपली डायरेक्टली इसको बता सकते हैं। तो जब भी लिफ्ट का ए डाउन होगा, मैं नहीं बोल रहा एक्सेलरेशन होगा, ए डाउन होगा, ए डाउन दो सिचुएशन में हो सकता है, लिफ्ट नीचे जाए और एक्सेलरेट करे, लिफ्ट नीचे जाए, ठीक है ना, लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ रिटार्ड करते हुए जा, या ऐसे बोलो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है पर रिटार्ड करते हुए जा रही है, ऊपर जा रही है, वेलोसिटी ऊपर होगी, रिटार्ड यानी ए डाउन हो गया। तो दो सर्कमस्टेंसेज यहाँ पर बन सकते हैं, इसलिए सिंप्लीफिकेशन के साथ इसको इंटरप्रेट करने का तरीका है ए के डायरेक्शन से, ए अप तो जी अप, ए डाउन तो जी डाउन, इससे आप नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्ट लिख सकते हो। तो इस सिचुएशन में वेट की वैल्यू कम हो जाएगी, इस सिचुएशन में वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर फ्री फॉल कर दिया जाए तो फिर ये वेट नापने लायक नहीं रहेगा, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी, जीरो आ जाएगा। अब यही चीज आप यहां पर देखो, एक लिफ्ट है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रही है, और ये कंसेप्चुअल सवाल बनता है। तो बताओ इसमें रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा, बुद्धि लगाओ। ग्राउंड से फर्स्ट जा रही है यानी वेलोसिटी ऊपर है, ये तो है नहीं, कंटिन्यूअस वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तो फिर फर्स्ट फ्लोर को भी तोड़ करके छत से बाहर हो जाएगी। ग्राउंड से चलिए फर्स्ट पे रुकेगी, तो पहले एक्सेलरेट होगी और फिर रिटार्ड होगी। तो पहले एक्सेलरेट हुई तो ए अप, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, फिर रिटार्ड होगी तो ए डाउन यानी नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त पहले रीडिंग बढ़ेगी और फिर रीडिंग कम होगी। अब सिमिलरली आप यहाँ से यहाँ लाते वक्त कर सकते हो, तो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आते वक्त क्या होगा, पहले एक्सेलरेट करेगी तो ए डाउन यानी पहले रीडिंग कम होगी, फिर रिटार्ड करेगी यानी ए अप होगा, यानी फिर रीडिंग बढ़ जाएगी। तो आप इस पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को सिंपल ए के डायरेक्शन से जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ लिफ्ट पुली के अंदर, ये एक एससीवी का कंसेप्ट है जो मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, स्टूडेंट अटक जाता है, ठीक है ना। अब जैसे लिफ्ट के अंदर मैंने पुली लगा दी और रीडिंग पूछ ली, ठीक है ना, रीडिंग ही नहीं पूछी मैंने, यहाँ कई सारे सवाल पूछे, लिफ्ट के पास अपना एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम क्या होता है, आप इसके अंदर बैठ जाओ, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठेंगे तो सूडो लगानी पड़ेगी। अब मैं बोल रहा हूँ सूडो भी मत लगाओ, ठीक है ना, आप जी इफेक्टिव कंसेप्ट से कर लो। तो ये जो ए रिलेटिव आ जाएगा ना, वो हो जाएगा चलाने वाला माइनस रोकने वाला बाय टोटल मास इनटू जी की जगह हमने जी प्लस ए कर दिया। तो आप बिना सूडो लगाए जी इफेक्टिव कंसेप्ट से इसका ए रिलेटिव लिख सकते हो। अब आपने ए रिलेटिव लिखा, टेंशन का वही पुराना फॉर्मूला, ट्वाइस M1 M2, जी जी की जगह जी इफेक्टिव आ गया डिवाइडेड बाय M1 + M2। रीडिंग का वही पुराना फॉर्मूला 2T, और ये हमारा जी इफेक्टिव कंसेप्ट से एक बड़ा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो गया। एक जगह पर पंगे आते हैं, वो पंगे ये होते हैं कि हमने ए रिलेटिव तो निकाला यानी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकाला, अब वो क्या ग्राउंड से एक्सेलरेशन बताओ इन ब्लॉक्स का। अब ग्राउंड से देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो दोनों के डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो साइन के साथ हमें लेना पड़ेगा, तो ए माइनस ए रिलेटिव। इसका देखोगे तो ए प्लस ए रिलेटिव हो जाएगा। तो इस पे मैंने न्यूमेरिकल रखा है ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। जैसे ये रहा आपके सामने न्यूमेरिकल, अब ये कह रहा है 3 और 6 kg का ब्लॉक है, ये यहाँ पर स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ये ऊपर की तरफ 2 है, हमें इसमें ए रिलेटिव बता दो। देखो क्वेश्चन, ए रिलेटिव बता दो, टेंशन भी बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बता दो, रीडिंग भी बता दो, सब कुछ ही बता दो। सबसे पहला काम अंदर बैठ जाते हैं, अंदर बैठ करके पता चला ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ए रिलेटिव हो गया, ये नीचे की तरफ जाएगा। हमारा सबसे पहला काम होगा ए रिलेटिव लिखना, ए रिलेटिव की वैल्यू होगी चलाने वाला, तो 6 - 3 / 6 + 3 टाइम्स जी फैक्टिव, जी फैक्टिव हो गया जी प्लस ए। क्यों जी प्लस ए, क्योंकि ए अप है, तो ये बन गया 12, तो 3/9 × 12, तो रिजल्ट आ गया 4 m/s² तो ये ए रिलेटिव मिला। यानी लिफ्ट से बैठ करके देखें तो ये ऊपर 4 से जाएगा, ये नीचे 4 से आएगा। आगे पहली चीज हमने बहुत इजीली अटेम्प्ट कर ली, अब टेंशन निकालनी है। टेंशन का फॉर्मूला हमने लगाया ट्वाइस M1 M2 / M1 + M2 × जी इफेक्टिव यानी जी प्लस ए, वैल्यू डाल देते हैं, तो ट्वाइस M1 M2 3 × 6/9 × जी इफेक्टिव हो गया 12, ठीक है ना। आई थिंक अब आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, तो रिजल्ट आ गया 48 न्यूटन।
तो आपको रीडिंग जो मिल रही है, आपको जो टेंशन मिल रही है, दैट इज 48 न्यूटन। अब अगर आपको रीडिंग निकालनी है तो रीडिंग हो जाएगी 2t के बराबर, ठीक है ना। तो रीडिंग होगी हमारी 2t के बराबर, 48 यानी 96 न्यूटन। केजी में देना है तो जी से डिवाइड कर दो, 9.6 केजी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होगी। लास्ट, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो 6 केजी का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। ये साइन पॉजिटिव, प्लस ए माइनस ए रिलेटिव, आई होप समझ गए होंगे। प्लस ए 2, ए रिलेटिव की वैल्यू हमने ऊपर वर्कआउट करी हुई है 4, आंसर आ गया माइनस 2। यानी ये दिखा रहा है कि ग्राउंड से देखने पर 6 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम 3 केजी ब्लॉक को वर्कआउट करें तो एक्सेलरेशन ऑफ 3 केजी ब्लॉक ये हमारे पास आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए प्लस ए रिलेटिव। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब मैंने आपको एक बड़े से प्रॉब्लम को सिर्फ 4 लाइन में करना सिखा दिया, आप एग्जाम में कर सकते हो उसको। नेक्स्ट देखते हैं, मंकी प्रॉब्लम। मंकी तो अपना फेवरेट ही है, ठीक है ना, बचपन से चला आ रहा है। तो मंकी क्या करता है, मंकी रस्सी को खींचता है, खींचता है तो रस्सी और मंकी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, वही टेंशन डेवलप करता है। जितना तेजी से खींचेगा टेंशन उतनी ज़्यादा होगी। अब अगर रस्सी पतली हो गई तो टूट सकती है, तो ब्रेकिंग टेंशन तक ही वो उसको खींच सकता है, उससे ज़्यादा खींचा तो रोप ब्रेक कर जाएगी। तो अगर मंकी को मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जाना है तो फोर्स भी मैक्सिमम लगानी पड़ेगी, और वो मैक्सिमम फोर्स ब्रेकिंग टेंशन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब अगर आप मैक्सिमम निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो मैक्सिमम, तो इक्वेशन बन जाएगी टी ब्रेकिंग माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, और इक्वेशन वही आ रही है, एम टाइम्स जी प्लस ए, वही जी इफेक्टिव टेक्निक। तो अगर ए अप है तो टेंशन भी बढ़ जाएगी, यानी जी प्लस ए हो जाएगी। वही अगर ये मंकी नीचे की तरफ जाता तो जी माइनस ए हो जाती, सिंपल फंडा है। तो जब जब मंकी की टेंशन ब्रेकिंग के बराबर होगी उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और वो जल्दी से जल्दी स्प्रिंग को क्रॉस कर जाएगा। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यूटी वाला पार्ट हमने जीरो डाला और टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो इससे आप मंकी के रोप क्रॉस करने का टाइम निकाल सकते हो। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा इस पे बेस्ड प्रॉब्लम। अब हम इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कह रहा है, शोन इन डायग्राम मंकी ऑफ मास 20 केजी हैंग्स बिलो द रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर, ब्रेकिंग टेंशन 220 दे रखी है, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब टेंशन मैक्सिमम होगी, यानी ब्रेकिंग होगी 220। फटाफट से आपने ये किया, नीचे एम जी लगा विच इज 200, ठीक है। इक्वेशन बना ली, 220 माइनस 200 इक्वल्स टू 20 इंटू ए मैक्स, ठीक है। तो इधर बचा हमारे पास 20, तो ए मैक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1, यानी मंकी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, हो गया तो रस्सी टूट जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है, मिनिमम टाइम टेकन टू क्लाइम द रोप। अब वो टाइम पूछना चाह रहा है, तो टाइम हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2L बाय ए मैक्स, ठीक है ना। तो 2L बाय ए मैक्स करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2, L की वैल्यू इज स्टिल 2, 1, आंसर आ गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में ये मंकी रस्सी चढ़ के ऊपर भाग जाएगा। तो आप इस तरीके के प्रॉब्लम को ईजिली कर सकते हो। एक और मंकी की वैरायटी होती है जो आप एग्जाम में खूब देखते हो, वो भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ये मंकी है, ये ऊपर जा रहा है A1 से, एक और मंकी लगा देते हैं इधर, ठीक है। ये भाई साहब नीचे जा रहे हैं A2 से, एक और लगा देते हैं, ठीक है ना। ये मंकी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अब टोटल टेंशन पूछता है, तो टोटल टेंशन क्या होगी, टोटल खिंचावट क्या होगी जो तीनों की वजह से डेवलप होगी। तो पहले T1 निकालो, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी M1 जी प्लस A1, समझ गए हो गया। T2 निकालो, M2 जी माइनस A2, ठीक है ना। T3 लिखो, T3 हो गया M3, एक्सेलरेशन तो इसका जीरो है, ठीक है ना। तो मैं इसको M3 इंटू जी लिख लेता हूँ। अब टोटल टेंशन कितनी होगी, सबका सम T1 प्लस T2 प्लस T3। तो इस तरीके से करके आप प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हो। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खूब टेस्ट में पूछा जाता है। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नो रिलेटिव स्लिपिंग, ये तो अपना पेटेंटेड है। हमने क्या कर रखा है, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ब्लॉक उस पर रखने पर नीचे स्लाइड कर रहा है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ध्यान रखना। देखो आपके सामने स्लाइड कर रहा है, अब इसको इतनी जोर से धक्का देते हैं, ठीक है ना, कि इस पर लगने वाला सूडो फोर्स इसको स्लाइड नहीं करने देता। तो कहता बताओ कितने एक्सेलरेशन से इसको पुश करें कि ये स्लाइड ना करें। कंसेप्ट वाइज देखें तो बहुत लेंदी होता है। पहले सिस्टम बनाया, इक्वेशन लिखी F बराबर M प्लस MA, फिर इसके ऊपर बैठ जाते हैं, सूडो लगाते हैं, फोर्सेस बैलेंस करते हैं, वहाँ से A की वैल्यू आती है जी टेन थीटा, डायरेक्ट याद रखते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन होना चाहिए सच दैट इसकी कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए जी टेन थीटा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है, ध्यान रखना। अगर आपको ये फोर्स पूछ रहा है तो एम प्लस एम ए से हम इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन में पूछता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या होता है ना, सूडो लगाते हैं, कंपोनेंट करते हैं, बैलेंस करते हैं, बहुत काफ़ी टाइम ले लेती है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आती है, ये भी ध्यान रखो, एम जी बाय कॉस थीटा, इस तरीके से आता है। इस सवाल को जनरली वर्क एनर्जी में पूछ लेते हैं, वर्क एनर्जी में ऐसे पूछ लेते हैं, कहता है
ये एम मास का ब्लॉक है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। और हम इसको ए से ले जा रहे हैं, ये थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन टी टाइम बता दो। कोई तो खतरनाक बोल दिया सर अचानक से आपने, मैंने तो बोला ही। तो पहले आप ए की वैल्यू लिखो बिना कुछ करे, जी टैन थीटा, फटाफट से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिखो एम जी बाय कॉस थीटा, ठीक है ना। अब इधर साइड ये पूरा सिस्टम जा रहा है, टी टाइम में इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखो हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, सिंपल ही है। अब यहां पर एंगल हमें चाहिए होगा, ये एंगल थीटा हो गया, तो अगर हम इधर एंगल चेक करें तो ये वाला एंगल थीटा होगा और ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन टी टाइम हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, हम वो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो एन एस कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम जी बाय कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया हाफ ए टी स्क्वायर, और कॉस 90 माइनस थीटा हो गया हमारा साइन थीटा। तो ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई बाय नॉर्मल रिएक्शन इन टाइम टी। इसी तरीके का एक और सवाल है, वो ये है कि अब हम इसको इधर धक्का नहीं दे रहे, उल्टा खींच रहे हैं, तो क्या होगा जब आप इस हाथ को इधर खींच दोगे तो ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। तो कहते हैं बताओ ये एक्सेलरेशन कितना हो कि ये फ्री फॉल करे। तो इसका रिजल्ट भी डायरेक्ट ध्यान रखना है, ए की वैल्यू जब जी बाय टेन थीटा होगी तो ये फ्री फॉल करेगा, और ए की वैल्यू जी टेन थीटा होगी तो ये चिपक के चलेगा। ये दोनों रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब इसी में हमारे पास ये तीन ब्लॉक का प्रॉब्लम है। अब ये कहता है बताओ, वही सेम कहानी, ए की वैल्यू बताओ सच दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। अब हमने पढ़ रखा है ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा। अब इसमें मैंने ट्रिक बना दी है, ट्रिक ये है कि आप इसमें नहीं सॉल्व नहीं करो, अगर आप बैठ करके सॉल्व करोगे तो इतने में तो आप एग्जाम में बैठे रह जाओगे। टेन थीटा की वैल्यू पुट करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ट्रिक है डायरेक्ट, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है बट ट्रिक है। तो जी टाइम्स परपेंडिकुलर वाला मास बाय बेस वाला मास, तो जी एम टू बाय एम वन के एक्सेलरेशन से आप इसको धक्का दोगे तो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, ठीक है ना, कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। इससे ज्यादा धक्का दे दिया तो ऊपर भाग जाएगा, इससे कम धक्का दिया तो नीचे आ जाएगा, इतना धक्का दिया तो रिलेटिवली रेस्ट पर रहेगा। एफ पूछी जाए तो एम प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू ए करके आप आंसर दे सकते हो। ये हो गया नो रिलेटिव स्लिपिंग का कंसेप्ट। अब जैसे सवाल दिखाता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, बिना कुछ करे डायरेक्ट आंसर। क्या कह रहा है पढ़ो, ये कह रहा है ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन शुड बी गिवन टू द वेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप, ये ऊपर की तरफ जाए। अगर हम ए की वैल्यू जी टेन थीटा रखें तो कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, और इससे कम रखें तो नीचे स्लिप करेगा, इससे ज्यादा करें तो ऊपर स्लिप करेगा, हमें कहाँ स्लिप कराना है, ऊपर की तरफ। दैट मीन्स ए मस्ट बी ग्रेटर दैन जी टेन थीटा, तो राइट आंसर हो गया ए मस्ट बी ग्रेटर दैन जी टेन थीटा। ऐसे डायरेक्ट खत्म होते हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है ना, पर वो खत्म तब होते हैं जब आपको पता हो, रिवीजन अच्छा हो। अब ये इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम आते हैं लामिस थ्योरम के, इजिली कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करनी होती है, दिखाता हूँ कैसे। हमने एक एम मास का ऑब्जेक्ट आर्म रखा, थ्रेड की लेंथ एल है, रेडियस ये हमें आर दे रखा, ये भी हमारे लिए आर हो गया। फटाफट से हमने ये ट्राइंगल सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, इस ट्राइंगल की हेल्प से हमें ये मिल गया रूट अंडर एल प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमारी मुसीबत खत्म, अब हमसे जो पूछेगा बता देंगे। कहते हैं यहाँ से लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल बताएंगे, यहाँ से लगने वाली टेंशन और नीचे लगने वाला एम जी। अब कहता है नॉर्मल का वैल्यू बता दो, एम जी बता दो और टेंशन बता दो। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट, आमतौर पर देखो हमारा टारगेट एग्जाम में जल्दी सवाल और करेक्ट सवाल करना, तभी हमारी स्पीड बढ़ पाएगी। अब ट्रिक ये है, जब भी दो फोर्सेस परपेंडिकुलर हों, अब मैं जो रास्ता बता रहा हूँ वो यूज़ करना, ठीक है ना। हम यहाँ पैरेललोग्राम लॉ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे। आपने तुरंत क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया और ये डायगनल दिखाया जिस पे हमने इधर टेंशन दिखा दी, समझ गया, ये हमने नॉर्मल रिएक्शन दिखा दी, ये वर्टिकल से एंगल थीटा हमें पता है। अब आप अच्छी तरह जानते हो आपको जो भी चीज़ निकालनी है दो चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आपको एन निकालना है तो टेन थीटा की आइडेंटिटी, टी निकालना है तो कॉस थीटा की आइडेंटिटी। सवाल नमस्ते, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर टेन थीटा लगाऊँ तो टेन थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एन बाय एम जी, पर ये ध्यान रखना है तब तक लगाना जब तक राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी मिल रही हो, नहीं मिले तो मत लगाना। तो एन, और फिर क्या लगाना, फिर कंपोनेंट करके बैलेंस कर लेना, ये सिंपल तरीका है। तो एन की वैल्यू मिल गई एम जी टेन थीटा। अब आपको कहो सर टेन थीटा कहाँ से लाएं, यार ये ट्राइंगल बना तो पड़ा है, यहाँ से टेन थीटा आर अपॉन, ये हो गया सिंपल। अब अगर आपको टी की वैल्यू निकालनी है तो आपने यूज़ करा एम जी बाई टी इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, और कॉस थीटा कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल बॉल वाला प्रॉब्लम है, आई थिंक अब आप ये इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इसमें क्या कर रखा है कि हमने, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने इसको जानबूझ के इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ राइट एंगल की प्रॉपर्टी बन रही है, ये 30 ये 60 ये 90, अब ये तीनों टेंशन पूछता है और स्टूडेंट बेचारा क्या करता है, लग गया खाली है ना घर से, हमें पता है T3 mg के बराबर होगा,
अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में T1, T2 के वैल्यू निकाल लें, वो लगा पड़ा कंपोनेंट करने में, टाइम की चेक ही नहीं कर रहा कितना हो गया। अब मैंने अभी बताया राइट एंगल की प्रॉपर्टी, तो T1 ये रहा, ठीक है, T2 ये रहा, बन गया राइट एंगल। आप तुरंत पैरेललोग्राम बनाओ और इसके हाइपोटेन्यूज पे आप तीसरी फोर्स दिखाओ MG। एंगल कहाँ से पता है आपको? एंगल यहाँ से पता है, ठीक है ना, एंगल आपको ये पता है, एंगल आपको ये पता है, तो आप इधर ये भी एंगल जानते हो, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, तो आप इसको मार्क कर लो, ये T1 हो गया। अब लो, आपका सवाल फोर्स बैलेंस पे पहले ही खत्म हो गया। अगर आपको T1 निकालना है आपने लगाया साइन थीटा, T2 निकालना है आपने लगाया कॉस थीटा, सवाल छू अंतर। ये हमारा राइट एंगल का प्रॉपर्टी वाला रिजल्ट जो हम खूब इस्तेमाल करते हैं, मैंने लेक्चर्स में भी खूब पढ़ाया हुआ आपको। तो ये लैमीज़ थ्योरम की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये मेरी थ्योरम है कि राइट एंगल मिले आप पैरेललोग्राम लॉ से करो। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आप देख रहे हो ये मैन केज प्रॉब्लम है, SCV का प्रॉब्लम है। कहता है मैन बताओ कितनी फोर्स लगाए कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ पर गलती क्या होती है, यहाँ पर कई बार रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन भी पूछ लेता है, तो हम यहाँ पर सिस्टम को अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे मैन ने फोर्स लगाई टी की, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लगा एन का, ठीक है ना, नीचे की तरफ लगा MG। अब बहुत ध्यान से देखना क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो फोर्सेस बैलेंस हो गई। तो मैन के लिए बैलेंस करें तो N+T=MG। यहाँ तक तो स्टूडेंट कर लेता है, गलती अब होती है, ये नॉर्मल रिएक्शन केज ने मैन के ऊपर लगाया, तो मैन ने भी तो केज के ऊपर नीचे लगाया, वो ये नहीं लगाते, साथ साथ में कैपिटल MG नहीं लगाते, ठीक है ना, और ये टेंशन भूल जाते हैं। इस कैपिटल MG की जगह क्या पूरा वेट लगा देते हैं, अरे हम केज के ऊपर फोर्स देख रहे हैं तो केज का वेट चाहिए होगा ना। अब आप केज के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो टी की वैल्यू हमारी हो जाएगी कैपिटल MG+N, सही है। अब आप इजिली दो इक्वेशन, दो अननोन बन गई, सॉल्व कर सकते हो यहां से। अब जैसे मान लो मेरे को टी निकालना है, तो मैंने एन की वैल्यू उठाई, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, तो टी की वैल्यू होगी MG, एन की वैल्यू डाल दी MG-T, तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई M+MG/2। डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि अगर दोनों के वेट के एवरेज के बराबर लगा दिया तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, इससे कम लगाया तो नीचे फॉल करेगा, इससे ज्यादा लगा दिया तो ऊपर चला जाएगा। आपको ये तो जादू बता दिया आपने, तो ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है, नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आप टी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन या ऐसा बोला जाए यहाँ पर अगर वेइंग मशीन रखी हुई हो तो उसकी रीडिंग हमारे पास आ गई MG-T, तो MG-M+MG/2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं M-MG/2, तो दिस इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है ना, अगर हम वहाँ पर रखें। तो मेरे ख्याल से आप मैन केज प्रॉब्लम में भी आप गड़बड़ नहीं करोगे। सपोज करो इसका मास दे दिया 60, केज का मास दे दिया 20, कहते बताओ फोर्स की सच दैट इक्विलिब्रियम में रहे, तो कुछ ना करना भाई आपने, एवरेज ले लो, खेल खत्म हो गया। 60+20 यदि हो गया 80/2, दैट मीन्स ये आ गया हमारा 40 × 100, 10 कर देंगे 400 N हो जाएगा, ऐसे खत्म होता है। तो 400 से ज़्यादा लगा दे तो सिस्टम ऊपर भागेगा, कम लगा दे तो सिस्टम नीचे फॉल करेगा, 400 लगाएं तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ जाते हैं हम फ्रिक्शन के कंसेप्ट पर। देखो फ्रिक्शन अगेन बेसिक्स है, ठीक है ना, फ्रिक्शन में अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं है आप सवाल हमेशा गलत करके आओगे। तो मैं एक बार सारे बेसिक विद प्रॉब्लम आपको रिवाइज करा देता हूँ, प्रॉब्लम मैंने मेरे ही रखे हुए ताकि आप पूरे अच्छे तरीके से इन डेप्थ वेराइटी सीख जाओ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन से। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमने ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पर, हमने फोर्स लगा दी, ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, तो सबसे पहले ये ग्राउंड क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा और इस पर लगाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक ये फोर्स FSmax से ज़्यादा ना हो जाए वेल्डिंग नहीं टूटेगी, ब्लॉक आगे नहीं बढ़ेगा। तो ग्राफ आप देखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड का, तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ वेल्डिंग टूटने वाली होती है, इसको हम बोलते हैं FSmax लग गया। इसके बाद वेल्डिंग टूट जाती है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक। तो ध्यान रखना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसकी रेंज है 0 से FSmax। काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेटली फॉर्मूला है, वो FK के बराबर है। तो कोई अगर पूछे कि बताओ फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, तो पहले चेक कर लेना ब्लॉक चल रहा है या नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है तो स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। और अगर चल रहा होगा तो कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक का फॉर्मूला हमारे लिए बड़ा सिंपल सा है, F काइनेटिक की वैल्यू μkn, ठीक है ना। स्टैटिक की वैल्यू μSn नहीं होती, FSmax की जो वैल्यू होती है दैट इज μSn। तो हमेशा ध्यान रखना हम यहाँ पर जानते हैं FSmax की वैल्यू, स्टैटिक डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर, इसी पे एग्जामिनर आपसे खूब सवाल पूछता है। तो देखो अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट पर, पुलिंग फोर्स। तो हमें पता करना है F की मिनिमम वैल्यू कितनी हो कि ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट छोड़ दे। तो अगेन कंसेप्ट वही रहेगा, हम फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे, आप एक बात नोट करना इस फोर्स का ऊपर कंपोनेंट जाएगा जो कि नॉर्मल रिएक्शन को कम कराएगा, जो कि FSmax को कम कराएगा।
तो पुल करने से एफएक्स मैक्स कम हो जाता है, वेल्डिंग जल्दी टूटती है, इसलिए पुल करना आसान होता है। रादर देन पुश करने से एफएक्स मैक्स बढ़ जाता है, चलाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कंसेप्चुअल भी पूछा जाता है। वैल्यू कितनी होती है, तो कंपोनेंट करने कराने के बाद जो पुलिंग फोर्स की वैल्यू आती है, मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मोशन, वो गई म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और सिमिलरली पुशिंग फोर्स की वैल्यू हो गई म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिस पे हमसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसी में अगर वो ये दे दे कि यार एक काम करो, फोर्स अपनी तरफ से लगाओ, जो मर्जी लगाओ, ठीक है ना, वो एंगल बताओ जिस पे फोर्स लगाने पर मिनिमम से मिनिमम रहे। तो होता क्या है कि जब हम इस एंगल को चेंज करते हैं ना, तो इस फोर्स की, पुलिंग फोर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। एक एंगल पर ये जो पुलिंग फोर्स होती है सबसे कम होती है, तो वो एंगल होता है टेन थीटा बराबर म्यू एस, ठीक है ना। डायरेक्ट स्ट्रेट याद रखो, कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर को जीरो डालते हैं, बट एग्जाम में जरूरत नहीं है। और ये मिनिमम वैल्यू आती है म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। सवाल कैसे होता है, सवाल इस तरीके से कहता है ये ब्लॉक है 2 kg का, म्यू की जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये म्यू की वैल्यू दे रखी है हाफ। कहता है ये बताओ ये फोर्स कितने एंगल पर लगाए, एंगल भी अननोन होगा, अगर एंगल फिक्स्ड होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कहता है एंगल बताओ कितने पर लगाएं कि ये जो फोर्स रहे, पुलिंग फोर्स, मिनिमम से मिनिमम रहे। तो एंगल तो सीधे सीधे मिल गया, टेन थीटा इक्वल्स टू हाफ, कुछ नहीं करना। अब इस पुलिंग फोर्स की जो कम से कम वैल्यू है, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाया, म्यू एम जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस म्यू स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लिया तो हाफ एम जी हो गया 20 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1/4, ये बना 3/4, तो रूट में ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20/√3। अब देखो मैंने कई बार बताया 1/√3 की कैलकुलेशन 0.57 होती है, फ्रिक्शन में बहुत हेल्प करती है, याद रख लो। तो 20 × 0.57, तो इससे आप इजिली प्रॉब्लम को उड़ा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो पुलिंग फोर्स के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट आप देख रहे हो रिपोज। रिपोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो फ्रिक्शन के अंदर है, और बहुत सारे कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल बनते हैं, मैंने रखे हैं आपके लिए। देखो क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, मेरे हाथ पे ये पेन रखा हुआ है, आप देख रहे हो नहीं स्लाइड कर रहा, जैसे जैसे एंगल चेंज करते जाएंगे एक जगह स्लाइड करने की टेंडेंसी आ जाएगी, क्योंकि नीचे लगने वाला एम जी साइन थीटा ऊपर लगने वाले एफ एस मैक्स से जहां ज्यादा हो जाएगा, वेल्डिंग टूट जाएगी, ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। अब बिना फोर्स बैलेंस की हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, उसकी कंडीशन है टेन थीटा और म्यू एस की रिजल्ट चेक करो। तो जब भी आप इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक पे काम कर रहे हो, हमेशा टेन थीटा और म्यू एस में देख लो कौन ज्यादा है कौन कम है। अगर टेन थीटा की वैल्यू लेस देन म्यू एस है, इस बात का मतलब निकला कि ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है वेल्डिंग तोड़ने के लिए, तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक होगा, और तुरंत हम उसको अप्लाइड फोर्स एम जी साइन थीटा के बराबर कर देंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ये जो रिजल्टेंट हो गया ना फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, ये जो वर्टिकल से एंगल बनाता है, तो इस सिचुएशन में ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन के एंगल के ही बराबर होगा, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है। दूसरी चीज, जब टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू एस होगा, यानी एम जी साइन थीटा एफ एस मैक्स से ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वेल्डिंग टूट जाएगी, लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। इसका एक्सेलरेशन पूछा जाता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू जब म्यू एस होती है तो हम इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन, कि भाई अब इस सिचुएशन में एम जी साइन थीटा एफ एस मैक्स के बराबर है, अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया थीटा तो ब्लॉक की स्लाइडिंग की टेंडेंसी आ जाएगी। तो आई होप रिपोज वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा, बट प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर दिखाता हूँ। जैसे ये दो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये प्रॉब्लम कह रहा है, दोनों ही बड़े स्पेशल प्रॉब्लम है, आमतौर पे स्टूडेंट को खूब कंफ्यूज करते हैं, स्पेशली ये वाला। हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, हमसे कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स बताओ एक्सेलरेशन बताओ, हमारा सबसे पहला काम होगा टेन थीटा म्यू में चेक करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। तो हमने तुरंत टेन थीटा की वैल्यू निकाली, विच इज 10/37, 10/37 हो गया 3/4 यानी 0.75। हमने म्यू की वैल्यू देखी विच इज 0.5, हमें पता चल गया टेन थीटा इज ग्रेटर दैन म्यू, इस बात का मतलब ये निकला कि यहाँ पर स्लिपिंग होगी होगी, लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला म्यू के एम जी कॉस थीटा होगा, अगर हमें म्यू एक ही दे रखा है तो जो म्यू एस है वही म्यू के लेते हुए चलेंगे, तो 0.5 एम जी की वैल्यू मेरे पास हो गई 100 और कॉस 37 की वैल्यू हो गई 4/5, इससे हमारा फ्रिक्शन आ गया। एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए भी फॉर्मूला हमारा अवेलेबल ही है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी मैंने कॉमन ले लिया, इसमें वैल्यू डाल देंगे हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमेशा पहले चेक करेंगे कि टेन थीटा और म्यू में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, यही सीख आपको इस प्रॉब्लम में काफी हेल्प करेगी, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है, हो सकता है नीट में डायरेक्ट फर्स्ट है। तो हमने 37 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक को रखा हुआ है, कहता फ्रिक्शन फोर्स बता दो और टेंशन बता दो, एग्जाम में दो चीज नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ टेंशन पूछेगा, ठीक है ना, और आपको टेंशन दे देगा ये। अब मैं तरीका बताऊं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे टेन थीटा चेक करेंगे,
टेन थीटा की वैल्यू हो गई 1037 यानी 0.75। हमने म्यू का वैल्यू देखा, म्यू का वैल्यू हो गया 0.8, ठीक है ना। हमें पता चल गया टेन थीटा इज लेस देन म्यू। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि यहाँ की वेल्डिंग नहीं टूटेगी क्योंकि फ्रिक्शन अभी मैक्स नहीं हुआ होगा। अगर वेल्डिंग ही नहीं टूटेगी तो धागा खिंचेगा ही नहीं, जब धागा खिंचेगा ही नहीं तो टेंशन जीरो हो जाएगी, यानी इस सिचुएशन में टेंशन की वैल्यू जीरो आ गई, ऐसे सवाल किया जाता है। लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा हो गया, स्टैटिक हो गया, और इस स्टैटिक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, अप्लाइड के बराबर हो गई। अप्लाइड कौन है, एम जी साइन थीटा, समझ गया। तो ऐसे करके ये फ्रिक्शन के सवालों को अटैम्प्ट किया जाता है। एम जी की वैल्यू हो गई 100, साइन 37 की वैल्यू हो गई हमारी 3/5, और यहाँ से आप देख सकते हो 60 न्यूटन का हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आ गया। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था जो कि रिपोज के ऊपर था, छोटा था पर बड़ा खोटा था, ठीक है, एग्जाम में आपको रुला सकता है। नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट बनता है पुलिंग और पुशिंग फोर्स का। अब यहाँ पे मैं बताऊँ, पहली चीज टेन थीटा म्यू से बड़ा है तो आपको पता है ब्लॉक रखने पर चलेगा ही चलेगा। अब आप चाहते हो कि आप इसको रोक लो, तो रोकने के लिए आप इसमें फोर्स लगाते हो। कहता है इस फोर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दो। मिनिमम इसे नीचे जाने से रोकेगी और मैक्सिमम इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। तो इस फोर्स की कोई एक वैल्यू नहीं होती, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है। मिनिमम लगाते वक्त एफ एस मैक्स ऊपर होता है, मैक्सिमम लगाते वक्त एफ एस मैक्स नीचे होता है। तो ये जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज आती है डिपेंड करता है ये फोर्स हमने कैसे लगाई है। अगर हमने इंक्लाइंड के पैरेलल लगाई है तो फिर सिचुएशन में फोर्सेस बैलेंस करना इजी होता है और ये मिनिमम वैल्यू आ जाती है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहाँ सवाल आता ही आता है। तो अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दी एफ एस मैक्स पीछे लगेगा, ब्लॉक ऊपर भागना शुरू कर देगा। इससे कम लगा दी एफ एस मैक्स ऊपर लगेगा, ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा। तो ये कंडीशंस ध्यान रखनी है, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक और चीज, अब इसमें ही कह देता है कि अगर मैक्सिमम फोर्स इज डबल द मिनिमम फोर्स ट्रिपल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर ये डबल है ट्रिपल है तो म्यू का रिजल्ट हो गया एन माइनस वन बाय एन प्लस वन टेन थीटा। ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट बनाया हुआ है, पर अगर आपको याद रहे तो लगा देना, वरना मैक्सिमम मिनिमम फोर्सेस में पुट करके भी आप निकाल सकते हो। मैं सवाल दिखाऊंगा आपको। दूसरा केस आता है जब हम यही फोर्स ग्राउंड के पैरेलल लगाते हैं। अब ये रिजल्ट बड़ा भयानक सा हो जाता है। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आती है, मिनिमम वाली तो वही ग्राउंड वाली आ गई, नीचे उल्टा करके लिख दिया। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सिमिलरली मैक्सिमम आ गई एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, नीचे उल्टा करके लिख दिया। तो इस तरीके से करके आप इसको याद रख सकते हो अगर फोर्स ग्राउंड के पैरेलल लगे, ठीक है ना। एक और कंडीशन यहाँ बनती है कि दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक स्मूथ है और एक रफ है। ये भी ए आई ट्रिपल का प्रॉब्लम था जिसपे शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है, आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो एक स्मूथ है और एक रफ है। स्मूथ पे एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा, रफ पे होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो रफ पे टाइम ज्यादा लगेगा, स्मूथ पे टाइम कम लगेगा, जल्दी आ जाएगा। तो कहता है रफ वाला टाइम एंड टाइम से स्मूथ वाला टाइम है, तो म्यू बता दो। तो रिजल्ट हमारा डायरेक्ट है, आप इसको याद रख सकते हो ट्रिक की तरह, अदरवाइज कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है। एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर इंटू टेन थीटा, ये वन ऑफ द बेस्ट शॉर्टकट है रफ और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। सवाल दिखाता हूँ। प्रॉब्लम में आप ये देखो, सबसे पहले आपको ये एम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे को नहीं समझ आया क्यों मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है। मैं क्या करूँगा, पहले चेक करूँगा टेन थीटा और म्यू में कौन बड़ा कौन छोटा। तो पहले मैंने टेन थीटा लिखा, टेन थीटा की वैल्यू हो गई 0.75, म्यू की वैल्यू होगी 0.5। मेरे को पता है ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। अब इसे रोकने के लिए हमने एम लगाया। अब एम अगर कम से कम लगाएंगे तो ये नीचे जाने से रुकेगा, ज़्यादा कर देंगे तो ये ऊपर आने वाला होगा। अब ये जो एम जी है, ये एम जी टेंशन ला रहा है और टेंशन इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। तो टेंशन यहाँ पैरेलल फोर्स का काम कर रही है, इंक्लाइंड के पैरेलल, जिसकी वैल्यू एम जी के बराबर है। तो हम यहाँ रेंज लिखते हैं, तो एफ जो है वो टेंशन के बराबर है, टेंशन जो है वो एम जी के बराबर है। मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल एम जी, मैक्सिमम लिख रहे हैं साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और मिनिमम लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। समझ गए। तो इस तरीके से आप सवाल को डायरेक्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, अब बस वैल्यू डाल देनी है। तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल एम की वैल्यू आ गई, जी उड़ा दो। स्मॉल एम, स्मॉल एम हमें दे रखा है 10, साइन 37 ये हो गया 3/5, 0.5 इंटू 4/5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, 4/5 जो 20, 2 बना, 3 और 2 5 बना, 5 और 5 हमारा कट के 1 हो गया, यानी इधर 10 ही आ गया। मिनिमम देखें तो इधर आ गया हमारे पास 10, 3/5 माइनस 0.5 इंटू 4/5, ये बना हमारे पास 1/5, ठीक है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये आ गया 2 और इधर मेरे पास आ गया जा करके 10। तो m की जो मैक्सिमम वैल्यू आप लगा सकते हो वो 10 kg, मिनिमम रख सकते हो 2 kg, 2 kg रखा तो ये नीचे जाने से रुकेगा, 10 kg से ज़्यादा लगा दिया तो ऊपर की तरफ भाग आएगा। आई होप अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अब आपको। नेक्स्ट इसी का भाई देखो, इसका भाई ये ना, सवाल ये कह रहा है इफ मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द ब्लॉक इज 3 टाइम्स मिनिमम फोर्स।
तो एफ मैक्स की वैल्यू 3f min है, वही जैसा मैंने बताया था ना n टाइम्स है, बट मान लो हम शॉर्टकट भूल गए, कोई बात नहीं, रिजल्ट पुट कर देंगे। तो एफ मैक्स हो गया, हमने पहले देखना फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड है या इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है, तो एफ मैक्स की वैल्यू हो गई mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। आप देख रहे हो यहां पर बस खाली कैलकुलेशन में हमें टाइम लगेगा, बट अगर भूल गए तो कोई और इलाज नहीं है, करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये यहां से कैंसिल हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, थीटा बाद में डाल देंगे, तो sin थीटा म्यू cos थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 3 म्यू, ये cos था 3 म्यू cos थीटा। अब cos वाला cos की तरफ लाओ, sin वाला sin की तरफ लाओ, तो इसको इधर लाएं, तो ये म्यू cos थीटा प्लस 3 म्यू cos थीटा 4 म्यू cos थीटा हो जाएगा, और इधर बनेगा हमारा 2 sin थीटा। तो tan थीटा की जो वैल्यू मेरे पास आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई 2 म्यू, दैट्स इट। हमें थीटा दे रखा है, हमें म्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू हमने 45 डाल दी, तो 1 इक्वल्स टू 2 म्यू हो गया, और यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको रिपोज, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स, ठीक है ना, इनके प्रॉब्लम अच्छी तरीके से आ गए होंगे, कि ये बहुत फटाफट से होते हैं, बट इनके लिए कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सवाल देखो, ये कह रहा है टाइम टेकन माई बॉडी टू स्लाइड डाउन रफ इंक्लाइंड प्लेन इज ट्वाइस द टाइम टेकन टू स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ। यहां अगर आप कंसेप्ट भूल गए तो भूल जाओ, फिर ये सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में ही सवाल होगा, क्योंकि सवाल बहुत लेंथी निकलेगा, तो आपको रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है। तो म्यू का रिजल्ट हो गया एन स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर, इसको तो याद करके ही रखो, वरना प्रॉब्लम आने पर आपको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं छोड़ा जाता, ठीक है ना। हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू 2 दे रखी है, पुट करा तो 4 माइनस 1 यहां पर मेरे पास बचा 4 इंटू टेन 45, टेन 45 हो गया 1, तो म्यू की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 3/4। तो अगर म्यू 3/4 होगा तो रफ वाले का टाइम स्मूथ वाले टाइम का डबल होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, हेमी स्फेरिकल बाउल, ओरिजिनल आईआईटी का प्रॉब्लम है, बट इसको मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ है, तो मैं कंसेप्ट के फॉर्म में आपको सिखाऊंगा। ये एक इंसेक्ट है, क्रॉल करता हुआ ऊपर जा रहा है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कहता बताओ कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है बिना स्लाइड किए। अब हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो आप देखो यहां पर हम इंक्लाइंड प्लेन बनाते जा रहे हैं, तो इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर ना हो जाए। तो तुरंत आप एक इंक्लाइंड प्लेन बनाओ, टेन थीटा की वैल्यू म्यू कर दो, यहाँ हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा और यहाँ वर्टिकल से एंगल थीटा दोनों बराबर होते हैं। रेडियस सर्कुलर पाथ का हमें पता ही है आर, ये हो गया मेरा आर कॉस थीटा, थीटा हम निकाल लेंगे अभी, ठीक है ना, और हमें ये हाइट निकालनी है, तो इस हाइट की वैल्यू होगी आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो सवाल डायग्राम ही डायग्राम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये म्यू, ये 1, ये रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब मैंने हाइट की वैल्यू लिख दी, हाइट की वैल्यू हो गई r 1 माइनस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू हम ऊपर ट्रायंगल से निकाल करके सब्सटीट्यूट कर देंगे, r 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो इजिली एक्सेसिबल प्रॉब्लम है, आराम से कर सकते हो आप, चाहे आईआईटी का हो चाहे कहीं का भी हो, बट आपके में आ जाता है इसलिए मैंने इसको रख दिया। तो मैक्सिमम हाइट हेमिस्फेरिकल बाउल में निकाली जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम। ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम दो तरीके के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स और एक वर्टिकल ट्रक बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इनको एक बार डिस्कस करते हैं। तो एक ट्रक है, 80 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, हमने इसके ऊपर बॉक्स रख दिया, अब हमें पता करना है ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। कंसेप्ट होता है ट्रक के ऊपर बैठ जाओ, बैठते ही सूडो लगेगी, ये सूडो क्या करेगी, इसको चलाने की कोशिश करेगी। तो अगर M80 की वैल्यू FS मैक्स से ज़्यादा हो गई तो स्लाइड कर जाएगा, नहीं हुई तो नहीं करेगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, M80 की वैल्यू अगर FS मैक्स से ज़्यादा हो गई, यानी अगर 80 की वैल्यू म्यू जी से ज़्यादा हो गई तो रिलेटिव स्लिपिंग होगी, और नहीं हुई तो नहीं होगी। तो हम हमेशा देखेंगे कि 80 कितना है और म्यू एस जी कितना है, फिर कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। अगर 80 की वैल्यू म्यू एस जी से ज़्यादा निकली तो स्लाइड कर जाएगा, तुरंत रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, और वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा 80 माइनस म्यू के जी, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। और अगर 80 की वैल्यू म्यू जी से कम निकली तो ये स्लाइड नहीं करेगा और फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन सूडो के ही बराबर हो जाएगा। तो मतलब आपको चेक करना पड़ेगा, सवाल है मैं अभी दिखाऊंगा, चेक करना पड़ेगा कि स्लाइडिंग की कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है। वर्टिकल ट्रक बॉक्स में, वर्टिकल में आपने इसे ए से धक्का दिया, तो ये जो सूडो लगा ना इसके ऊपर, ये जो मैं दिखा रहा हूँ एम ए का, ये इसमें नॉर्मल रिएक्शन लाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ एम जी के बराबर नहीं होती, केयरफुल रहना।
अब नीचे लगने वाला एम जी इसको खिसकाने की कोशिश करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता है। अगर हम चाहते हैं ब्लॉक रुका रहे तो एम जी लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, और अगर हम चाहते हैं स्लाइड कर जाए तो एम जी ग्रेटर देन एफ एस मैक्स कर दो। फिलहाल लिमिटिंग कंडीशन बनाई तो ए की वैल्यू मिल गई जी बाय म्यू एस। अगर ए से ज़्यादा कर दें तो चिपक जाएगा, कम रखेंगे तो नीचे स्लाइड करेगा। तो दोनों ट्रक बॉक्स हमने देख लिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में आप ये देखो, अब मेरे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू फॉल ऑफ द ट्रक। अब हमें नहीं पता कि ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, क्या सीन है। हमने ए टी देखा, ए टी का वैल्यू हमारे पास है 4। हमने तुरंत म्यू एस ये निकाला, म्यू एस तो दे ही नहीं रखा, उसने एक ही म्यू दे रखा है, तो हम म्यू एस म्यू के सेम लेते हुए चलेंगे। तो 0.3 इंटू 10, तो रिजल्ट आ गया 3। हमें पता चला ए टी इज ग्रेटर देन म्यू एस सी, तो इससे हमें साफ पता चल गया कि रिलेटिव स्लिपिंग होगी। तुरंत हमने ए रिलेटिव निकाला, विच इज ए टी माइनस म्यू के जी, ठीक है ना, ए टी माइनस म्यू के जी, जो म्यू एस है वही म्यू के है, तो उसमें तो कुछ डरना नहीं है। तो 4 - 3 यानी आ गया 1। इस बात का मतलब ये निकला कि जब हम यहाँ पर बैठ करके देखेंगे तो ये हमें 1 के एक्सेलरेशन से इधर जाता हुआ दिखाई देगा, और 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गिर जाएगा। तो टाइम जो लगेगा गिरने में वो अंडर रूट 12 बाय ए रिलेटिव, तो अंडर रूट ऑफ 2, एल की जगह 2, ए रिलेटिव की जगह 1, आंसर आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद ये बॉक्स ट्रक से गिर जाएगा। सपोज करो अगर यही 80 होता 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब क्या होता, अगर ये 82 होता तो ये म्यू इस जी से कम होता, तो फिर बॉक्स स्लाइड नहीं करता, लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक रहता और एम ए टी के बराबर होता। तो एग्जामिनर क्या पूछता, आपसे फ्रिक्शन पूछता, तो आप तुरंत उसे एम ए टी की वैल्यू, मास गिवन होना चाहिए फिर उस सिचुएशन में, एम ए टी का वैल्यू निकाल के दे सकते हो। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। इसको देखते हैं, इस सवाल में हमें क्या करना है, इस सवाल के अंदर हमें पता करना है कि इस ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा है, कितना है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है। सबसे पहले हमने ये फोर्स लगा दी, वर्टिकल ट्रक बॉक्स ऐसा ही है, ये फोर्स क्या करेगी, नॉर्मल रिएक्शन लाएगी। एम जी इसको चलाने की कोशिश करेगा, एफ एस इसको रोकने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हम एफ एस मैक्स लिख लेंगे, एफ एस मैक्स हो गया म्यू इंटू एन, एन ध्यान रखना है एम जी के बराबर नहीं है, एन एफ के बराबर है, तो म्यू इंटू एफ, ठीक है ना, म्यू हो गया 0.6, एफ हो गया हमारा 10, आंसर आ गया 6। तो 6 न्यूटन का एफ एस मैक्स है। अब हम देखेंगे एम जी, एम जी कितना है, एम जी का वैल्यू हो गया 1/2 × 10, यानी ये हो गया 5 न्यूटन। अब आप अच्छी तरह जान रहे हो कि एम जी इज लेस देन एफ एस मैक्स, यानी एम जी एफ एस मैक्स से छोटा है। इस बात का मतलब ये निकला कि यहाँ की वेल्डिंग नहीं टूटेगी, लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड के बराबर होगा, अप्लाइड एम जी हो गया यानी 5 न्यूटन के ही बराबर होगा। एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक का वो 0 होगा। मेरे ख्याल से आप बढ़िया से समझ गए होंगे कैसे मैंने सवाल को सॉल्व किया। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मेरे को याद आ गई अचानक से, ब्लॉक ऑन ब्लॉक का कंसेप्ट, ये भी खूब पूछा जाता है। जैसे हमारे पास ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक है, ये M1 का ब्लॉक है और ये M2 का ब्लॉक है, दो कंडीशन, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ का कोफिशिएंट म्यू है। तो ये जानना चाहता है एफ की मैक्सिमम वैल्यू सच दैट दोनों साथ साथ चले, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे जैसे एफ बढ़ाते जाओगे इनका आपस का फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा। कब तक बढ़ सकता है, जब तक एफ एस मैक्स ना हो जाए, उसके बाद क्या होगा, अलग अलग चलेंगे। हम क्या चाहते हैं, साथ चलाना, तो हम तुरंत जैसे ही हमने सुना कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि ये साथ साथ चलें, तुरंत हम बीच के फ्रिक्शन को एफ एस मैक्स कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो तुरंत हमने बीच के फ्रिक्शन को एफ एस मैक्स कर दिया, इस पे एफ एस मैक्स आगे लगाया और इस पे एफ एस मैक्स पीछे लगाया, ठीक है, एफ ए, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सिस्टम बाउंड्री बनाई और ए निकाल लिया, चलाने वाला एफ हो गया, तो एफ की वैल्यू हो गई M1 + M2A। अब इसमें केयरफुल रहना, हमें एफ नहीं पता, हमें एफ निकालना है, हमें ए भी नहीं पता। अब क्या करेंगे, अब उस फोर्स से ये निकालेंगे जिस पे एफ एस मैक्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफ एस मैक्स लग रहा है, तो इस पे एफ एस मैक्स लग रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक से एफ एस मैक्स इक्वल्स टू M2A किया, एफ एस मैक्स का फॉर्मूला डाला म्यू इंटू एन M2A। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन, तो किसी भी सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन उसके ऊपर के वेट के बराबर हो जाता है, तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन आपको चाहिए होगा तो M2G के बराबर होगा, यहाँ का चाहिए हो तो M1 + M2G के बराबर होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो म्यू टाइम्स M2 से M2 घटा और A की वैल्यू आ गई म्यू जी। तो आपने क्या किया, साथ साथ चलने वाला पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला, इसको यहाँ पुट करके साथ साथ चलाने वाली मैक्सिमम फोर्स निकाल दी। अगर इस फोर्स से ज़्यादा रहेगा तो दोनों अलग अलग चलेंगे, वेल्डिंग टूट जाएगी, इससे कम रहेगा तो साथ साथ चलते रहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर यही सिस्टम रिवर्स कर दें, ठीक है ना, ये M1 है, ये M2 है,
कोफिशेंट म्यू है, मैंने इधर एफ लगा दिया, ये स्मूथ है। अब क्या होगा, अब इस पे लगने वाला एफ एस मैक्स इसको आगे ले जाएगा और इस पे लगने वाला एफ एस मैक्स इसको रोकने की कोशिश करेगा। हम वही सबसे पहले ए निकालेंगे, तो ए की वैल्यू हमारी एज इट इज हो गई एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब हम ए उससे निकालेंगे जिस पे एफ एस मैक्स लग रहा है, एफ एस मैक्स नीचे वाले पे लग रहा है, तो एफ एस मैक्स की वैल्यू हो गई, ध्यान से देखना है अब आपको, एम वन इंटू ए। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला डाला म्यू एन एम वन ए, एन यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन है, एम टू के बराबर होगा, एम टू जी के बराबर होगा, इक्वल्स टू एम वन ए। यहाँ से आप देखो ए की वैल्यू मिल गई म्यू टाइम्स एम टू बाई एम वन इंटू जी, म्यू आ गया, सॉरी ए आ गया, ए को पुट कर दिया, एफ की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक अब आप दोनों तरीके के ब्लॉक अन ब्लॉक कर सकते हो, चाहे ऊपर फोर्स लगाई जाए चाहे नीचे फोर्स लगाई जाए, साथ साथ चलाते रहने के लिए हमें एफ एस को मैक्स करना पड़ता है, दैट्स इट, ये सिंपल कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमारा वर्क डन का कंसेप्ट है जो कि बहुत सिंपल है, वर्क एनर्जी हमारा बहुत फेवरेट भी है, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है ना। तो फोर्स तो तभी वर्क करती है जब वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ना हो, अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो गई तो ऐसे सिचुएशन में वर्क डन जीरो हो गया। सेम डायरेक्शन में हुई तो प्लस एफ एस, अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो माइनस एफ एस, बट ये ध्यान रखना ये सिर्फ कॉन्स्टेंट फोर्स के वर्क डन का रिजल्ट है, डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो। दूसरा, अगर फोर्स वेरिएबल है तो यहाँ तीन तरीके की बातें होती है, ठीक है ना। जैसे आपको एफ एक्स ग्राफ दे रखा है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, अगर आपको एफ एक्स ग्राफ दे रखा है तो फोर्स हो गई इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, यानी इस ग्राफ का एरिया। तो एरिया ऑफ ग्राफ तब वर्क डन बताएगा जब एफ एक्स ग्राफ हो। अगर एफ टी ग्राफ है, अभी बताया था ना मैंने इम्पल्स वाले के अंदर, तो कैसे वर्क डन निकालेंगे, तो हम इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम को पुट किया फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल मान लेते हैं जीरो था, तो हमने यहाँ से मोमेंटम निकाल लिया, समझ गए। तो जब भी आपको एफ टी ग्राफ मिले, कुछ दिमाग मत लगा देना फालतू का, एरिया निकाल के मोमेंटम लिख लेना। अब वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, वी की वैल्यू इधर से उठा के इधर पटक दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया एरिया बाय मास का होल स्क्वायर, सही है, सिंप्लीफाई कर लो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो वापस से, जब भी एफ टी ग्राफ दे रखा हो एरिया से आप मोमेंटम निकालो, मोमेंटम से आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हुए वर्क डन निकाल लो। अब वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ग्राफ नहीं दे रखा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दे रखे हैं, तो भी हम यूज करेंगे डब्ल्यू बराबर डेल्टा के। जैसे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो हमने वेलोसिटी निकाल ली डी एस बाई डी टी करते हुए, वर्क डन निकालना है नहीं, कुछ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी की वैल्यू सीधे पुट कर दी जाएगी, डायरेक्ट वर्क डन का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जैसे ये देखो, अब आपके सामने कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ है, आपको वर्क डन निकालना है, तो प्रॉब्लम सिंपल है ये, इसमें तो हमें कुछ खास रॉकेट साइंस है ही नहीं, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये एरिया निकालना है, तो ये सारा का सारा एरिया आपको वर्क डन बता देगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू एरिया। अब एरिया आप निकालोगे ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू वन इंटू टेन, आगे बढ़ते जाते हैं, फिर हमारे पास ये आ गया रेक्टेंगल का एरिया 10 इंटू वन, फिर हमारे पास आ गया ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे निकाले, या तो ऐसे ब्रेक कर लो ट्रपेजियम, या फिर ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल, आपकी चॉइस है जैसे कर लो, मैं इसे ट्रपेजियम लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ट्रपेजियम का एरिया हो जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये हो गई 10, एक साइड ये हो गई 15, दैट मीन्स 25, ठीक है, इंटू दोनों के बीच का गैप विच इज़ 1, ये हो गया ट्रपेजियम, अभी खत्म नहीं हुआ। अब ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2, हाइट हो गई 15, तो यहां से आप वर्क डन निकाल सकते हो एफ एक्स ग्राफ से। अब दूसरा देखो, बॉडी ऑफ मास 2 केजी एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एज शोन, कैलकुलेट वर्क डन। हमें पता है ग्राफ हमें दे रखा है एफ टी, मैंने जैसा बताया बहुत ज्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, कंसेप्ट लगाना है एफ टी ग्राफ का एरिया, मोमेंटम इनिशियल हम जीरो लेते हुए चल रहे हैं, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 10, हाइट हो गई 10, तो आंसर आ गया 50, तो 50 हमें मोमेंटम की वैल्यू मिल गई। अब वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब चाहिए तो v की वैल्यू डाल दो, ओ सॉरी m की वैल्यू डाल दो, m की वैल्यू डालोगे तो आपको v भी मिल जाएगा, तो m की वैल्यू 2 पुट करते ही v मिल गया 25 मीटर पर सेकंड। वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ m की जगह हमने 2 डाल दिया, v स्क्वायर हो गया 625, ये हो गया हमारा 0, वर्क डन आ गया 625 जूल। तो मेरे ख्याल से अब आप वर्क डन के सवालों में तो अटक नहीं सकते, ये बहुत कॉमन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन दे रखी है,
इसलिए मैंने कहा रिवीजन ऐसा होना चाहिए सब कुछ करवा दे और फटाफट से रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो अब सारी चीज़ें देखो ए टू जेड, आपकी जितने भी ट्रिक्स हैं कंसेप्ट हैं सब रिवाइज होते जा रहे हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट 3 सेकंड में हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, तो 3t² - 2t। इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे t = 0 पर, वो ऑब्वियसली पुट करने पर 0 आ गई। फाइनल वेलोसिटी देखेंगे t = 3 पुट करने पर, ये हो गया 9 - 6, आंसर आ गया 21 m/s, सही है। अब वर्क डन के लिए हम लगा देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½m v² - u², ठीक है ना। तो हाफ मास कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, मास हमें दे रखा है 2 kg, v² - u² 21 का स्क्वायर, और इनिशियल हो गया 0, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक अब किसी भी हाल में आप वर्क डन तो कर लोगे, इसकी तो आपको दिक्कत नहीं आनी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। देखो पोटेंशियल जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने का तरीका है -du/dr, यानी आप इसका डिफरेंशिएट कर दो, यानी इसका स्लोप का नेगेटिव साइन ले लो, तो आपको मिल जाएगी फोर्स की वैल्यू। और अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन से करना चाहते हो, यानी जब ये u हमें एक्स वाई जेड के फंक्शन में दे रखा हो, तो -du/dx, du/dy, du/dz। अब ये चीज़ या तो यहाँ पे कर लो या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाले रिलेशन में कर लो, मैंने वहाँ कराई हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में मिनिमम हो, और कोई भी चीज़ मिनिमम होगी तो उसका डबल डिफरेंशिएशन जो होगा, ग्राफ जो अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है तो काइनेमेटिक्स में बताया हुआ मैंने, डबल डिफरेंशिएशन उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ए पॉजिटिव। अगर एक्स वाला ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है तो ए कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो अगर ग्राफ ऊपर की तरफ खुल रहा है तो d2u/dr² > 0 होगा। सिमिलरली अगर ग्राफ नीचे खुल रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम मिल रहेगी, डबल डिफरेंशिएशन < 0। अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो डबल डिफरेंशिएशन हमारा 0 के बराबर रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे एफएक्स ग्राफ भी पूछ लेता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पर हमें एफएक्स ग्राफ के बारे में जानकारी देनी है कि इन पॉइंट में कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, तो मैं आपको इससे समझा देता हूँ, फिर आप इसका आंसर खुद कर देना। तो यू वर्सेज आर का ये ग्राफ रहा, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमें पता है, हम एफएक्स ग्राफ बनाना चाहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप अगर फोर्स निकालना चाहते हो तो आप फोर्स को -du/dr से निकालो, यानी इसका स्लोप देखो और नेगेटिव साइन लगाओ। तो मैंने 3 पॉइंट पकड़े, 1, 2, 3। आप देखो यहाँ स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, बट फोर्स कैसी रहेगी, पॉजिटिव। यहाँ फोर्स हो जाएगी 0 क्योंकि स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, du/dr पॉजिटिव है, बट फोर्स हो आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान होती है कि फोर्स पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, यानी ऊपर से नीचे की तरफ स्विंग करती है, ठीक है ना। तो पहले पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव, ये एफ का ग्राफ रहता है, एफ एक्स का, ठीक है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ स्विंग करेगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ इजिली चेक कर सकते हैं, फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव स्विंग कर रही है तो ये ए वाला पॉइंट स्टेबल हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा अनस्टेबल हो गया। तो इससे आपका रिवीजन भी हो गया और सारी चीज़ें समझ भी आ गई। अब ये एक स्पेशल प्रॉब्लम है, इसमें यू एक्स की वैल्यू दे रखी है और मैंने आपसे पूछा है, बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है, कई सारे टेस्ट में मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो यू एक्स की इक्वेशन दे रखी है, हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ध्यान देना टोटल एनर्जी इसमें कांस्टेंट है। अब ये जो पॉइंट होता है ना स्टेबल इक्विलिब्रियम का, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो जब E = k + u को हम एनालाइज करते हैं तो जब u मिनिमम हो जाता है तो k ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो जाता है और ऐसा इक्विलिब्रियम पर होता है। तो कभी भी आपको ये सवाल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आंसर देना है, वैसे तो ये सिस्टम का पार्ट है बट फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप u की मिनिमम वैल्यू निकालो कैसे, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल के। तो आप du/dx को 0 डाल दो, यानी इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 4x³/4 - 2x² / 2 = 0 डाल दिया, 4 कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ गई। तो x = 1 हमारी वो पोजीशन है जहाँ पर हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिख लो क्योंकि ऑब्वियसली मिनिमम ही होगी, तो x को 1 पुट कर देते हैं, 1/4 - 1/2 - 1/4, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लगा देते हैं E = k + u, E हमें दे रखा है 2, k हमें पता है मैक्स होगा क्योंकि u मिनिमम है, -1/4, तो k मैक्स की जो वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 9/4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक बहुत ही काम का प्रॉब्लम इस सेक्शन में होता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट हमारे रूटीन प्रॉब्लम है वर्क डन और मोमेंटम का रिलेशन, ठीक है ना, और हमारा ब्रह्मास्त्र।
तो वर्क डन और मोमेंटम का देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय टू एम हो गई, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी पी एफ स्क्वायर माइनस पी आई स्क्वायर बाय पी आई स्क्वायर इंटू 100। हाँ, एरर वाला कंसेप्ट तब लगाना, मतलब ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज ऑफ मोमेंटम तब लगाना जब 10% के अंडर में हो, ठीक है ना। अगर 10% से ज़्यादा है तो आप ये लगाओ, जैसे कह दे मोमेंटम डबल कर दिया तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो डबल कर दिया तो ये हो गया 4 - 1/100, यानी ये 300% से चेंज कर जाएगी। ऐसे कर लो डायरेक्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती है कि सारी फोर्सेस का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ जब हम इसको रिफाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है सारी फोर्सेस में एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के। कंजर्वेटिव हम जानते हैं अच्छे तरीके से नेगेटिव डेल्टा यू के बराबर होता है, जहाँ नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि अगर कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में जाएँ, सुनना ध्यान से, कंसेप्चुअल है, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट में जाएँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फेवर में जाएँ तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये ध्यान रखना है, एज इट इज़ पूछा जाता है। पुट करने पर हमारा ब्रह्मास्त्र आ जाता है डब्ल्यू एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अगर एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव ना हो, यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन तब लगानी होती है, आप देखोगे लेक्चर में फुल डिटेल्स हमने किया हुआ है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हमें तब लगानी होती है जब कोई एजेंट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना हो और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, ठीक है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। जैसे जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो हैंगिंग चेन, हैंगिंग चेन की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, क्योंकि इस पर सवाल रहता ही रहता है, हैंगिंग चेन में क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम रेफरेंस बनाते हैं, तो टेबल टॉप को मैंने रेफरेंस बना लिया। अगर ऑब्जेक्ट नॉन पॉइंट मास है तो सेंटर ऑफ मास की हाइट ले लेंगे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम एच जी एल बाई टू। एम एच हो गया मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, एल एच हो गई लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट, और टू इसलिए किया क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो वो हमेशा आपके एक्स स्क्वायर ही रहती है, चाहे स्प्रिंग इलोंगेटेड हो चाहे स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो। मैं आपको कंसेप्ट दिखाता हूँ इस पर। जैसे ये देखो, ये कह रहा है कि एक चेन है हमने टेबल के ऊपर रखी हुई है, ठीक है ना। अब देखना पड़ेगा स्मूथ टेबल है या रफ टेबल है। अगर ये स्मूथ टेबल है और इसको छोड़ दिया तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगी, और अगर हमने इसे खींचा तो एजेंट लगेगा, यानी ब्रह्मास्त्र का सवाल हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग हैंगिंग पार्ट बैक ऑन टेबल। तो ये काम कर कौन रहा है, एजेंट कर रहा है। जब जब एजेंट आएगा एनर्जी कंजर्वेशन आप नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो एजेंट ने क्या किया, पूरी की पूरी चेन को टेबल टॉप पे ला दिया। आप सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखो, रेफरेंस हमने यही ले लिया, फाइनल जीरो हो गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त इसका मास लिखो m बाय 4, लेंथ लिखो l बाय 4, हाइट सेंटर ऑफ मास की चाहिए होगी l बाय 8। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस m बाय 4 जी l बाय 8। अब ब्रह्मास्त्र लगाते हैं, एजेंट नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। आप चेक करो डेल्टा के वाला पार्ट यानी फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, काम खराब हो गया इसका। नॉन कंजर्वेटिव यहाँ है नहीं, ठीक है ना, उसका भी वैल्यू जीरो हो गया। तो जो एजेंट ने वर्क डन किया वो हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। फाइनल हो गई जीरो, इनिशियल हो गई माइनस एम जी एल बाय 32। तो आंसर आ गया एम जी एल बाय 32। अब यही सवाल ऐसे होता कि हमने इस चेन को रिलीज कर दिया, ठीक है ना, और जब ये पूरी चेन फॉल कर जाए तो वेलोसिटी बता दो। तो अब जब पूरी चेन फॉल कर जाएगी टेबल से और आपको इसकी वेलोसिटी पूछनी हो, रेफरेंस यही रहा, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखो माइनस पूरा मास हो गया एम जी एल बाई 2। इनिशियल मैंने आपको बता ही दिया एल बाय 4 एम बाय 4, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम जी एल बाय 32। क्योंकि टेबल स्मूथ है और कोई एजेंट नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई। हमने तुरंत लगाया के आई प्लस यू आई के एफ प्लस यू एफ, बस इसके अंदर डाटा डालना है। इनिशियली चेन रेस्ट पर थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई 32 हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एल बाई 2 हो गई। अब यहाँ से इसको इधर लो और वी की वैल्यू निकाल लो। तो मैंने आपको दोनों वेरायटी करा दी, एजेंट लग रहा हो तो कैसे करना है, और फ्री हो सिस्टम यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो तो कैसे करना है। अभी और देखते हैं। अब इसके अंदर देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले। तो इसमें क्या सीन है कि हमारे पास एक मास था, हमने इसको नॉर्मल पोजीशन में होल्ड करके रखा था, अचानक से छोड़ दिया, ठीक है ना। कहते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम इसको सडनली छोड़ते हैं तो ये रुकता नहीं है, ये ऑसिलेट करता है यूँ करके, ठीक है ना। क्यों ऑसिलेट करता है, क्योंकि ये जाता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, एक्सेलरेट होता हुआ। इक्विलिब्रियम पोजीशन में फोर्सेस बैलेंस होती हैं तो एम जी और के एक्स नॉट बराबर हो गए, बट ये रुका नहीं क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो गई। तो ये चलता चला जाता है अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो बिल्कुल एस एच एम का कंसेप्ट बन जाता है। जहाँ से छोड़ा
वो एक्सट्रीम, जहाँ रुका वो एक्सट्रीम, ठीक है ना। अब अगर आपको मैक्सिमम आपको इलोंगेशन निकालना है तो वो और कुछ तोड़ना हो गया, वो तो इसका डबल हो गया। तो आप क्या करो, एक्स नॉट निकालो फोर्स बैलेंस करके, डबल मार दो आपके पास, यहाँ पर मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया। तो मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू ट्वाइस एक्स नॉट हो गई, और एक्स नॉट की वैल्यू हम फोर्स बैलेंस से निकाल लेंगे एम जी बाई के करते हुए, तो ट्वाइस एम जी बाई के ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसी की वैरायटी का ये सवाल है, कहता है एम की वैल्यू बता दो सच दैट ये कॉन्टैक्ट ना छोड़े, जब हम इसको सडनली छोड़ें। अभी तो बताया मैंने, सडनली छोड़ने पर ये ऑसिलेट करता है और यहाँ तक जाता है, ये एक्स नॉट हो गया, इतना और गया। तो आप खुद सोचो, जब ये मास यहाँ तक आएगा तो ये स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, और इधर के टू एक्स नॉट का फोर्स लगाएगा, नीचे इस पे एम जी लग रहा है। अगर ये यहाँ पे भी नहीं उठा तो ये कभी नहीं उठेगा, ठीक है ना। और अगर आपने मास इससे ज़्यादा कर दिया और यहाँ के टू एक्स नॉट एम जी से ज़्यादा हो गया, तो ब्लॉक हवा में आ जाएगा। अब आप चाहते हो ब्लॉक कभी हवा में ना आए, तो एक्सट्रीम पोजिशन पर इसकी नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो के बराबर होनी चाहिए। हम इसकी फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं, तो के टू एक्स नॉट, ट्रिक भी दे दूंगा अभी आपको, इक्वल्स टू एम जी, एक्स नॉट की वैल्यू डालो एम जी बाई के इक्वल्स टू एम जी, जी से जी कैंसिल करो, के से के कैंसिल करो, एम की वैल्यू आ गई एम बाई टू। तो ध्यान रखना, अगर हम सडनली ऑब्जेक्ट को छोड़ें तो इसकी जो वैल्यू होती है रखे हुए ऑब्जेक्ट के वेट के आधी होनी चाहिए। अगर आपने इससे ज़्यादा कर दिया तो ये हवा में आ जाएगा, कम रखा तो ये एज इट इज़ रेस्ट पर रहेगा। तो डायरेक्ट आप इस प्रॉब्लम को देखोगे बिना मॉडिफिकेशन के एग्जाम में आ जाता है, ठीक है ना। आपको ये रिजल्ट मैंने दिया है क्लासरूम में, खूब प्रैक्टिस कराया हुआ है, तो इस रिजल्ट को ध्यान रख लेना लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि आपको भी पता है एग्जाम में आने पर इतनी बुद्धि नहीं चलती अगर रिवाइज ना किया हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये तो अपने पेटेंटेड प्रॉब्लम है सीबी के, हमने क्या किया, ये एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ से ब्लॉक को रिलीज कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी इधर तक कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, एजेंट नहीं है, एनर्जी कंजर्व्ड है। बट यहाँ जाकर के रफ सरफेस आ गया, उसने क्या किया, इसकी एनर्जी को डिसिपेट कराना शुरू किया, फ्रिक्शन ने एनर्जी को लॉस कराना शुरू किया, यहाँ जाकर के फाइनली रेस्ट पर आ गया। अब वो जानना चाहता है डिस्टेंस बता दो। अब हम क्या करें, क्या पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं फिर हम नॉन कंजर्वेटिव लगाएं, नहीं, हम सीधे ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा मैंने सिखाया हुआ है ऐसे प्रॉब्लम में सीधे ब्रह्मास्त्र यूज करो, तो डब्ल्यू एजेंट नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, एजेंट है नहीं, ठीक है ना, कोई कहीं पर भी एजेंट नहीं है, पूरे थ्रू आउट मोशन में जीरो हो गया। नॉन कंजर्वेटिव यहां से एक्ट कर रहा है, कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक, म्यू एम जी, कितनी दूरी तक एक्ट कर रहा है, डी तक, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, तो वर्क डन हो गया माइनस म्यू एम जी डी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एच हाइट पर माइनस एम जी एच, ठीक है। अब आप चेक करो, माइनस माइनस कटा, एम जी कटा, और हमें जो डी की वैल्यू निकालनी थी स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गई एच बाई म्यू, एच है या आर बाई म्यू लिख लो, 1/0.5, दैट मीन्स ये आ गया 2 मीटर। तो 2 मीटर ये ग्राउंड के ऊपर जाएगा और उसके बाद जाकर के रुकेगा। ये था आपका ब्रह्मास्त्र के ऊपर बेस सवाल। तो देखो, पावर वाले सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। जैसे यहाँ दो तरीके की पावर होती है, हमने क्या किया, एक पंप लगा रखा है, पंप पानी को वी वेलोसिटी से ला रहा है, तो रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड, तो ये हो गई डी के बाई डी टी, सॉल्व किया हाफ वी स्क्वायर डी एम बाई डी टी हम जानते हैं रो ए वी होता है, तो ये आ गई हाफ रो वी ए, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी क्यूब। तो इस रेट से पंप पानी को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। अब पंप कर क्या कह रहा है, पंप दो काम कर रहा है, एक तो पानी को काइनेटिक एनर्जी भी दे रहा है, दूसरा उसको कॉन्स्टेंट स्पीड पर भी मेंटेन रख रहा है। तो टोटल पावर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी रो ए वी क्यूब, तो जिसमें से आधा पार्ट उसको काइनेटिक एनर्जी देने में जाता है, बाकी आधा पार्ट आप ये कह सकते हो कि यूटिलाइज करने में जाता है उसको कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कराने में। तो टोटल पावर अगर हम निकालें तो ये आ जाती है पंप की रो ए वी क्यूब। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है वो हाफ कहाँ गया काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने में। अब इसी तरीके से ये रेट के प्रॉब्लम इसके अंदर रहते हैं जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, या ये चेक करना होता है रेट क्या होता है ए इंटू वी, या ये चेक करना होता है कि सेम पाइप से रेट डबल या ट्रिपल करना है, या फिर हमें पाइप अलग अलग लगाना है बट स्पीड सेम रखनी है। तो यहाँ अगर हमें सेम पाइप रखना है, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो गया, हमने इस पावर के फॉर्मूले को मॉडिफाई किया, पावर मिल गई रेट क्यूब के प्रोपोर्शनल। तो अगर सेम पाइप से रेट डबल करना चाहते हैं तो पावर 8 टाइम्स करनी पड़ेगी, ट्रिपल करना चाहते हैं 27 टाइम्स करनी पड़ेगी, एंड अप टू 100। अब अगर हम सेम स्पीड से पानी को निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पावर के। यहाँ हम पाइप ऑब्वियसली चेंज करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम दो डिफरेंट पाइप यूज़ कर रहे हैं जो कि सेम स्पीड से पानी को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमें रेट को डबल करना है तो ऐसे सिचुएशन में पावर को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो ये सिंपल दो आस्पेक्ट हो गए जिसमें पाइप सेम रखना होता है या स्पीड सेम रखनी होती है, देख करके लगाना होता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट।
सर्कुलर मोशन जब भी कर रहे हो, पहले रिवीजन, सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक सेंट्रिपिटल और एक टेंजेंशियल। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है हमारा वी स्क्वायर बाय आर, या फिर बोला जाए आर ओमेगा स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है हमारा डी वी बाय डी टी। दोनों के दो अलग अलग काम होते हैं। सेंट्रिपिटल का काम होता है डायरेक्शन चेंज करना, टेंजेंशियल का काम होता है स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है और सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। तो हमेशा ध्यान रखना होता है, हमें चेक करना होता है कांस्टेंट स्पीड वाला सर्कुलर मोशन है या वेरिएबल स्पीड वाला। तो अगर कांस्टेंट स्पीड वाला है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, वेरिएबल स्पीड वाला है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर आप नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा, और हमारे पास इसका एंगल निकालोगे रेडियल लाइन से तो एटी बाई एसी इजिली निकाल सकते हैं। इनमें से जो एटी है ये क्या कर रहा है, स्पीड चेंज करा रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी चेंज करा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेट एट विच एनर्जी इज चेंज्ड, यानी पावर पूछी जाए, तो पावर हमेशा ध्यान रखना इसमें देती है टेंजेंशियल फोर्स। इसे निकालने के दो तरीके हैं, या तो एफ टेंजेंशियल इंटू वेलोसिटी कर लो या डी के बाई डी टी कर लो, ठीक है ना। जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है वो निकाल लो, या एफ टेंजेंशियल इंटू वी कर लो, इससे आप पावर निकाल सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में कोई पावर डिलीवर नहीं करेगा क्योंकि एटी होगा ही नहीं। अब जैसे ये रिजल्ट देखो, तो हमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैंने इसलिए रखा था कि आप इस मोमेंट पे इसको प्रैक्टिस कर लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg इन सर्कुलर पाथ इज इतना। हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा सर्कुलर मोशन है। काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। कौन वेरी करा रहा है, टेंजेंशियल वेरी करा रहा है, ठीक है ना। फाइंड आउट नेट एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स टू 1। अब नेट एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को पुट किया हाफ एम वी स्क्वायर 4t स्क्वायर, एम कितना दे रखा है हमें 2 kg, पुट किया तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4t स्क्वायर, वी की वैल्यू आ गई 2t। तो स्पीड देख रहे हो ना, वेरिएबल आ गई। अब दोनों एक्सेलरेशन निकालेंगे, ए सी वी स्क्वायर बाय आर, ए टी डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी किया तो ये हमें 2 मिल गया, वी स्क्वायर बाय आर किया तो हमें मिल गया 4t स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। रेडियस सर्कुलर पाथ का हम अपनी तरफ से अभी ले लेते हैं 1 meter, ठीक है ना। तो ये किस वक्त पे हमें निकालना, 1 second पर, रेडियस भी मैंशन कर देता हूँ 1 meter होना चाहिए इसमें। तो पुट किया तो ये आ गया 4 टी की जगह 1, रेडियस की जगह 1। तो हमने ए सी निकाल लिया, हमने ए टी निकाल लिया। अब अगर हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए तो रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर करके हम नेट एक्सेलरेशन दे देंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई है, पावर ट्रांसफर बाय फोर्स। अब कौन सी फोर्स पावर ट्रांसफर करती है, मैंने बताई दिया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल करती है। दो तरीके, या तो एफ टी निकालो एम ए टी इंटू वी करते हुए, ठीक है ना, या दूसरा तरीका है, सिंपल तरीका है कि ये पावर कर क्या रही है, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करा रही है, स्पीड को चेंज करा रही है, डी के बाई डी टी कर लो। तो आपने जैसे ही आपने देखा स्पीड वेरिएबल है, आप फट से काइनेटिक एनर्जी लिखो, डी के बाई डी टी कर लो, एफ टी इंटू वी करने से बहुत ज़्यादा आसान है। तो डी के बाई डी टी किया तो ये हो गया 8t, टी की वैल्यू डाल दी, आंसर मिल गया 8 watt। तो मेरे ख्याल से अब आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन और पावर के सवाल तो हैंडल कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम है, के इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसके अंदर, ए सी स्क्वायर के स्क्वायर टी स्क्वायर, वो आईआईटी का सवाल है, सेम इसी पे मैंने उसकी जगह 4t स्क्वायर ले लिया, थोड़ा तो चेंज करूं। तो सेम अप्रोच लगाते हुए आप प्रॉब्लम्स को अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट हमारे स्टैंडर्ड केसेस आ जाते हैं कि अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मेरा तरीका तो बहुत सिंपल है, एक्सिस पे बैठ जाओ और सूडो लगाओ, क्योंकि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक ही सूडो लगेगी और वो होगी बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को यूं करके घुमा दिया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में, हमें टेंशन निकालनी है, हम इसकी एक्सिस पे बैठ गए, सूडो लगाई, बाहर की तरफ सूडो आ गई, एम ए सी या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखो या एम वी स्क्वायर बाय आर, जो भी दे रखा उस हिसाब से। अब ये क्या कर रही है, इसको रस्सी को खींच रही है, दैट मीन्स ये इसके अंदर टेंशन लाएगी, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते तो जो भी टेंशन लगती वो बाहर की सूडो के बराबर होती चली जाती है। सवाल है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। इसी तरीके से हम आ जाते हैं कोनिकल वाले में। अब कोनिकल वाले में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट को यूं करके घुमा देते हैं, ठीक है ना, सेंटर पे बैठ जाएं, सूडो वूडो लगाएं। अब यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपने खूब काम करना सीखा ही है, पैरेललोग्राम बना लेना है हमें, और यहाँ से हम वर्कआउट करते हुए निकालते हैं पहले तो टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला स्टिल सेम आता है, एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो कोनिकल पेंडुलम के अंदर अगर टेंशन पूछी जाए, डायरेक्ट आंसर करो एम एल ओमेगा स्क्वायर। ये थीटा पूछा जाता है, तो इस थीटा को निकालने का तरीका होता है कॉस थीटा बराबर जी बाय एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। आप इससे क्या कर सकते हो, वर्टिकल से एंगल निकाल सकते हो, और अगर एंगल दे रखा है तो आप टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकाल सकते हो। तो कोनिकल पेंडुलम के अंदर 3 चीज़ होती है, टेंशन, एंगल और टाइम पीरियड।
डिपेंड करता है एंगल दे रखा है या टाइम पीरियड दे रखा है। एंगल दे रखा है तो टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड दे रखा है तो एंगल पूछेगा। ये इसका मतलब पेटेंटेड वर्जन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे आप ये दो केसेस और देख लो, स्टैंडर्ड केसेस हैं, फिर प्रॉब्लम कराता हूँ। वर्टिकल ड्रम, हमने क्या कर रखा है, एक सिलेंड्रिकल ड्रम ले रखा है, उसको घुमा दिया। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये कहता है ये ऑब्जेक्ट इससे चिपक जाए, कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, तो मिनिमम एंगुलर स्पीड बता दो। सबसे पहला काम एक्सिस पे बैठ के सूडो लगाई, पता चला ये सूडो नॉर्मल लाई, नॉर्मल के कारण एफ एस मैक्स आया। तो जब एम जी लेस देन एफ एस मैक्स रहेगा, अभी अभी सीखा आपने फ्रिक्शन में, तब तक ये स्लिपिंग नहीं होगी। तो हमने जैसे ही इक्वेट किया तो हमें पता चला जी की वैल्यू लेस देन म्यू एस आर ओमेगा स्क्वायर होगी, तो इसकी स्लिपिंग नहीं होगी। अब आप यहाँ से आप म्यू एस भी निकाल सकते हो, ओमेगा भी निकाल सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिमिलरली ये रोटेटिंग डिस्क है, हमने क्या किया, एक डिस्क जैसे मान लो मेरे हाथ को मैं अगर रोटेट करा दूँ तो ये पेन बाहर चला जाएगा, अगर तेज रोटेट कराऊँ तो कहता है ओमेगा बता दो या डिस्टेंस बता दो कि ये ऑब्जेक्ट बाहर ना जाए। अगेन एक्सेस पे बैठ के सूडो लगाई, सूडो क्या कर रही है, बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, रोकने की कोशिश, स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा है। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो एम आर ओमेगा स्क्वायर एफ एस मैक्स से कम करेंगे, और भगाना चाहते हैं तो ज़्यादा रखेंगे। तो मैंने लेस देन एफ एस मैक्स रखा और इक्वेशन मेरे पास बन गई ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी बाय आर। इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये आप एग्जाम में इजिली सॉल्व कर सकते हो सूडो लगाते हुए। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप दो सवाल देख रहे हो, रटने की जरूरत ही नहीं है, जैसा मैंने बताया हमें टेंशन की वैल्यूज निकालनी है। फट से एक्सिस पे बैठ जाओ और दोनों पे टेंशन लगाओ, इस पे लगी एम एल ओमेगा स्क्वायर, इस पे बाहर लगी एम टू एल ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी टेंशन होगी ना वो बाहर लगने वाली सूडो के बराबर होगी। तो अगर मेरे को टी वन निकालना है तो ये टी वन इन दोनों सूडो के बराबर होगा। सिस्टम बाउंड्री लेकर के चेक कर लो, तो टी वन की वैल्यू हो जाएगी एम एल ओमेगा स्क्वायर एम टू एल ओमेगा स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 3ml ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे को T2 निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ बाहर वाली सूडो यानी 2ml ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब आपको रेशियो निकालना है तो इजीली आप रेशियो ले सकते हो। तो ये हो गया मल्टीपल ब्लॉक्स को हम हॉरिजॉन्टल पाथ में घुमाते हैं, उसका सवाल पढ़ो उसको। ये कह रहा है फाइंड एक्स, ये दूरी बताओ सच दैट ब्लॉक डज नॉट फ्लाई ऑफ। हम क्या करेंगे, रट्टे नहीं मारेंगे, एक्सेस पे बैठेंगे, सूडो लगाएंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, और अंदर एफ एस लगा देंगे। अब क्या चाहते हैं, फ्लाई ऑफ कराना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो ये कह रहा है डज नॉट, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू एफ एस मैक्स कर देंगे, सही है। कहीं कुछ रटने की जरूरत नहीं है, शुद्ध कंसेप्ट है। तो एम एक्स ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू एन, एन की जगह एम जी आ गया, एम से एम कैंसिल हो गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, बस इसमें डेटा डाल देंगे। तो म्यू जी, म्यू कितना दे रखा है आपको 0.4, जी की वैल्यू हो गई 10, ओमेगा दे रखा है हमें 2 रेडियन पर सेकंड। ये भी देख लेना, अगर रिवोल्यूशन में गिवन है तो रेडियन में जरूर कन्वर्ट कर लेना। तो 4 आ गया, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 मीटर। तो अगर आप 1 मीटर के अंदर रखोगे तो फिर तो ये स्लाइड फ्लाई ऑफ नहीं करेगा, इससे ज़्यादा रख दोगे तो फ्लाई ऑफ कर जाएगा। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे लगाया और मैंने क्या बोला आपको, रटना नहीं है, आप इसी तरह कंसेप्ट लगा करके फर्स्ट राउंड में इनको अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आता है, वो बैंकिंग ऑफ ट्रैक का और मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक का। तो अब अगर एक साइकिलिस्ट हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चला रहा है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है अंडर रूट म्यू एस आर जी, और जो एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वर्टिकल से कितने एंगल पर झुकाना होता है, वो हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर जी। स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं रॉकेट साइंस है। सवाल कैसे बनता है, एक गाड़ी है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 1 किलोमीटर है, मैक्सिमम सेफ स्पीड बता दो, सीधे लगा दिया अंडर रूट म्यू आर जी। एंगल बता दो, अगर वो मतलब आप गाड़ी चल रही है वो टेढ़ी तोड़ना होगी, साइकिल चल रही है वो टेढ़ी होगी, गाड़ी तोड़ना टेढ़ी कर लेगा वो। तो अगर वो साइकिल चल रही होती तो एंगल बताओ, तो फिर हम वी स्क्वायर बाय आर जी से सॉल्व कर देते। तो आई होप समझ गए होगे कि ये बहुत सिंपल सा टास्क है। अब वहीं अगर बैंकिंग कर दें, यानी मैं इस तरीके से इन क्लाइंट को थोड़ा सा उठा दें, क्यों उठा दें, क्योंकि यहाँ जो डिपेंडेंस है ना वो फ्रिक्शन के ऊपर है। अगर सरफेस स्लिपरी हो गया तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि म्यू कम होता चला जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, थोड़ा सा, ये नहीं कि पूरा उठा के 90 डिग्री कर दिया। तो यहां से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है, बैंकिंग का एंगल आ जाता है वी स्क्वायर बाय आर जी, और इस पे मैक्सिमम स्पीड जो आती है, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब सोचो अगर ये सरफेस स्मूथ भी हो गया, बर्फ गिर गई, पूरी तरीके से बर्फ गिर गई इंक्लाइंड रोड पे, म्यू जीरो कर दो, तब भी वी मैक्स जीरो नहीं होगा, वी मैक्स की वैल्यू अंडर रूट आर जी टेन थीटा आएगी, यानी गाड़ी अभी भी चलाई जा सकती है चाहे रोड स्मूथ ही क्यों ना हो। ये फायदा होता है बैंक्ड रोड का कि उसमें फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, गाड़ी चलती रह सकती है अगर फ्रिक्शन जीरो हो जाए। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, इन पे प्रॉब्लम बहुत सिंपल फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, आई थिंक आप आराम से कर सकते हो, मैंने कराए भी हुए हैं टेस्ट वगैरह के अंदर आपको। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर सबसे पहली चीज़ है, आपको ये कंसेप्ट सीखना है कि किसी भी पॉइंट पर स्पीड और टेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, बड़ा ही गंदा सा डायग्राम दिख रहा है, मैं काम करता हूँ इसको डिलीट ही कर देता हूँ, तो आपको प्रॉब्लम समझ ही आ जाएगा एक बार में, है ना। तो मेरे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, अब लो सिंपल सा कर दिया मैंने, मैंने यहाँ से जानबूझ के ये लिया है, मैंने यू स्पीड से फेंका और यहाँ पर वी स्पीड पे पहुँचा। अब मेरे से कहता है यहाँ की टेंशन बता दो, बहुत ध्यान से सुनना, टेंशन यहाँ लगी, ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं अभी, एम जी का कंपोनेंट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम जी कॉस थीटा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो टेंशन की इक्वेशन बन गई टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो आप देख रहे हो टेंशन तब तक नहीं आएगी जब तक वी नहीं आएगा। तो जो इंसान टेंशन निकालने बैठ गया बिना वी निकाले, उसका टाइम खराब होना ही होना है, वो टेंशन में आएगा ही आएगा। तो पहले आपको ये वी निकालना चाहिए, वी निकालने के लिए हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। इस हाइट को हम एच वन ले लेते हैं, इस हाइट को हम एच टू ले लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपल थर्ड इक्वेशन बनेगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एच टू माइनस एच वन। आप डायरेक्ट यूज करके देख लेना कि आई प्लस यू आई बराबर के एफ प्लस यू एफ। तो इस थर्ड इक्वेशन से याद रखना ईजी है ना, हम वी की वैल्यू किसी भी जगह पर निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज करो, अगर वो ये बोलता कि हमने यहाँ से इसको रिलीज किया, अब एक काम करो 30 डिग्री पर जा करके इस जगह पर जा करके एक हमें टेंशन की वैल्यू बता दो, लेंथ एल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस ले लिया, ये इनिशियल हाइट ले ली, इनिशियल हाइट की वैल्यू एल हो गई, फाइनल हाइट की वैल्यू एच टू की वैल्यू हो गई एल वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। एल वन माइनस कॉस थीटा करेंगे तो एल वन माइनस रूट थ्री बाई टू। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे और वी की वैल्यू निकालेंगे। यू हमारे पास जीरो है तो मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई जीरो माइनस टू जी एच टू माइनस एच वन, इसमें से आप इसे माइनस करो तो आपको मिलेगा माइनस रूट थ्री एल बाई टू, बाकी सब कट जाएगा। तो v की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई g रूट थ्री जी एल। अब आपने v स्क्वायर निकाल लिया, देखो कितनी आसानी से आ गया, पुट कर दो आपके पास टेंशन आ जाएगी। तो ये सिंपल तरीका होता है सर्कुलर पाथ में कहीं पर भी टेंशन निकालने का। अब अगर लूपिंग द लूप की कंडीशन दे रखी है, तो मैंने यहाँ शॉर्टकट बनाया हुआ है, मैं इस वेलोसिटी को अंडर रूट एन आर जी ले लेता हूँ। अब अगर मेरे को कहीं पर भी टेंशन है और वेलोसिटी निकालनी है, तो मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले हो जाते हैं अंडर रूट आर जी एन माइनस टू प्लस माइनस टू कॉस थीटा। कैसे ही यूज़ करते हैं वो बताऊँ, अगर हम फर्स्ट हाफ में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट हाफ, ठीक है ना, ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ। तो अगर हम फर्स्ट हाफ में कर रहे हैं तो साइन प्लस आ जाएगा, सेकेंड हाफ में जा रहे हैं तो साइन यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये हमें केयरफुल रहना होता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, बॉडी की स्पीड मैंने ले रखी है लेट से दैट अंडर रूट ऑफ सिक्स आर जी, ठीक है। अब वो कहता है कि एक काम करो यार, इधर से 30 डिग्री पर स्पीड बता दो और टेंशन बता दो, और सिमिलरली इधर से 120 डिग्री पर स्पीड और टेंशन बता दो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये थीटा हमने वर्टिकल से लिया है, नीचे इस वर्टिकल से और ऊपर इस वर्टिकल से, तभी ये प्लस माइनस साइन आए हैं। तो मैं वेलोसिटी निकाल देता हूँ, टेंशन आप खुद कर लेना। तो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी एम अंडर रूट आर जी एन माइनस टू, एन हो गया सिक्स, सिक्स माइनस टू हो गया फोर, प्लस माइनस टू कॉस 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वर्टिकल से कितना एंगल है, जैसे ये 120 हो गया तो इधर का एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, तो दोनों तरफ के एंगल बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब हमें साइन प्रॉपर यूज करना है, तो इस जगह पर अगर हमें वी निकालना है, तो मैं इसको क्लियर कट लिखूं, सही से लिखूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। तो फर्स्ट हाफ में वी निकालना है, तो फर्स्ट हाफ का एंगल डाला, साइन पॉजिटिव यूज किया। अगर सेकंड हाफ का वी निकालना है, तो मैं यहां पर ऐसे करूंगा अंडर रूट आर जी एन माइनस टू फोर ही हो गया, ठीक है ना, माइनस टू कॉस, वर्टिकल से एंगल डाल दिया 60 डिग्री, ठीक है ना। अब कॉस 60 डिग्री हमारा कितना हो गया 1 बाई टू, कैंसिल हो गया, अंडर रूट थ्री आर जी बचा। तो ये तरीका होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी हाफ में ट्रिक लगा करके वेलोसिटी और टेंशन निकाल सकते हो। मैंने इस पर सवाल रखा हुआ है। अब जैसे आप लूपिंग द लूप की कंडीशन देख रहे हो, अगर हम बॉडी को जस्ट सर्कुलर पाथ कंप्लीट कराना चाहते हैं, बॉडी थ्रेड से बंधी हुई है, ये ध्यान रखना, थ्रेड और रॉड दो तरीके के सवाल होते हैं। थ्रेड से बंधी हुई है तो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट फाइव आर जी, ठीक है ना, और यहाँ की टेंशन आप जब वर्कआउट करोगे तो ये आ जाएगी सिक्स एम जी, तो ये फाइव है तो इधर सिक्स आ जाएगा, इधर हमारा सेवन है तो इधर एट आ जाएगा, मतलब एक के फैक्टर से बढ़ जाता है। तो अगर इधर एन आर जी है तो हमारी बॉटम पे टेंशन आ जाएगी एन प्लस वन, ठीक है ना, आप देख रहे हो। और फिर जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं, हर 90 डिग्री पर टेंशन थ्री के फैक्टर से कम होती जाती है, वेलोसिटी टू के फैक्टर से।
तो जैसे इधर वेलोसिटी 5rg है, तो इधर वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम करो तो 3 बचेगी, इधर वेलोसिटी बचेगी अंडर रूट rg। टेंशन इधर 6 है, 3 से कम कर दो 3mg, और इधर जस्ट कितनी आ जाएगी 0। ये है थ्रेड वाला। अब अगर यही रॉड होती, ठीक है ना, तो रॉड होती तो यही लिमिटिंग वेलोसिटी होती अंडर रूट 4rg। समझ गया मेरी बात? तो रॉड में अगर आपको लूपिंग द लूप कराना है, मासलेस रॉड होनी चाहिए, तो इस सिचुएशन में लिमिटिंग वेलोसिटी होगी अंडर रूट 4rg। टेंशन लिखोगे तो यहाँ की टेंशन आपके पास आ जाएगी 5mg एंड अप टू सो ऑन। तो आई थिंक आपको दोनों वर्जन समझ आ गए होंगे। केयरफुल रहना, थ्रेड वाला या रॉड वाला सवाल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक और चीज़ बता दूँ, मिनिमम टेंशन कहाँ होती है? मिनिमम होती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन या तो 3 के फैक्टर से कम करते हुए निकाल लो, या फिर आप MgN-5 वाला फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हो, ये आपकी च्वाइस है, ठीक है ना। अब मैं सवाल दिखाता हूँ। जैसे आप ये सवाल देखो, मैंने यहाँ पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया अंडर रूट 4√gr। पहले तो इस 4 को अंदर ले जाओ, नहीं तो फिर हो जाएंगे पंगे। अंडर रूट 16gr, तो ये n जो है 5 से तो बहुत बड़ा है, यानी ये 100% सर्कुलर पाथ लूप आउट करेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है बी और सी पर वेलोसिटी और टेंशन, एज वेल एज हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन। एक ही बार में खत्म करते हैं। देखो 16gr है, तो पहले हमने इधर की टेंशन लिखी जो कि ऑब्वियसली मैक्सिमम होगी 17mg। अब हमारे लिए बहुत आसान काम है, बी की वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम होती चली जाती है, तो इधर जो वेलोसिटी आ जाएगी 2 घटा दो इसमें से, तो ये आ जाएगी हमारे पास 14gr। फिर 2 घटा दो तो इधर आ जाएगी वेलोसिटी अंडर रूट 12gr। तो आप कहीं की भी वेलोसिटी पूछी जाए आप इजीली लिख सकते हो। टेंशन 3 के फैक्टर से कम होती जाती है, तो इधर की टेंशन लिखोगे तो इधर की टेंशन 3 इसमें से माइनस कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14mg। इधर 3 माइनस कर दो तो इधर टेंशन आ जाएगी 11mg। अब आपसे जानना चाहता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम इज टू मिनिमम, तो मैक्सिमम हो गया 17, मिनिमम हो गया 11, रेशियो हो गया 17:11। ऐसे कर लो, कुछ नहीं करना होता इसके अंदर। और सवाल दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये देखो सवाल, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि ये हाइट बताओ, ग्राउंड से नहीं पूछ रहा, ये कह रहा है ये कितनी हाइट होनी चाहिए, बहुत कॉमन है, सच दैट ये सर्कुलर पाथ को लूप आउट कर जाए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पहुँचेंगे। अब इसमें आप देख रहे हो थ्रेड तो है नहीं, तो थ्रेड वाला सवाल और कॉन्टैक्ट वाला सवाल एक जैसा होता है, दोनों में टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर से पहले जीरो हो गई तो फिर ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा और लूपिंग द लूप की कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हमें पता है अगर हमें लूपिंग द लूप कराना है तो इधर की वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट 5gr लिमिटिंग वैल्यू में, ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी आएगी कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक में कन्वर्ट होने से, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा करके प्रॉब्लम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम इधर की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, ये हाइट हो गई 2r + h, तो mg 2r + h इक्वल्स टू 1/2 mv² यानी 5gr। अब देखो कितनी ईजिली हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है ना, जी से जी भी कैंसिल, तो 2r + h 5r/2, तो h की वैल्यू आ गई 5r/2 -2r, तो फाइनली आंसर बचा r/2, यानी इसे r/2 और ऊपर से छोड़ोगे तब ये लूपिंग द लूप कर पाएगा, वरना नहीं करेगा। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मान लो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो लिख लो नॉर्मल रिएक्शन में कौन सी आफत आ रही है, इधर की हो जाएगी 6mg, इधर की फिर वो 3 के फैक्टर से और वेलोसिटी 2 के फैक्टर से कम कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये देखो ओवर और अंडर ब्रिज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है कहाँ ज़्यादा कहाँ कम होगी। तो हम इस प्रॉब्लम को अटैम्प्ट करते हैं और सिंपल तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इसको बोलते हैं हम ओवर ब्रिज, क्योंकि बॉडी इसके ऊपर से जा रही है। यहाँ सर्कुलर पाथ बनाओगे तो ये सर्कल बनेगा, सेंटीपेटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ होगी, mg नीचे होगा। इक्वेशन बनाओगे तो बनेगी mg - n = mv² / r। तो यानी यहाँ पर चांसेस हैं नॉर्मल रिएक्शन के जीरो होने के। तो अगर वो ये बोले कि यहाँ बॉडी को फ्लाई ऑफ कराना है, वी की वैल्यू बता दो, तो नॉर्मल जीरो करो और वी की वैल्यू अंडर रूट gr लिख करके काम तमाम कर दो, ठीक है ना। तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन ए पॉइंट पर आ गई mg - mv² / r। सिमिलरली ये ओवर ब्रिज हो गया, ये भी हमारा ओवर ब्रिज हो गया। तो अब मैं दोबारा थोड़ा ना इक्वेशन लिखूंगा, नॉर्मल रिएक्शन एट सी आ गई mg - mv² / rc। तो आप देख रहे हो जितना सर्कल का रेडियस ज़्यादा होगा, यानी कर्व जितना फ्लैट होएगा, ये चीज़ उतनी कम होगी, नॉर्मल रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन जितना फ्लैट कर्व मिलेगा, नॉर्मल रिएक्शन उतनी ज़्यादा, जितना नैरो कर्व मिलेगा ओवर ब्रिज में उतनी कम। अब अंडर ब्रिज पे आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखो तो नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ लग गई, mg नीचे की तरफ लग गया, सेंटीपेटल इधर लग गया। तो अगर मैं बी की इक्वेशन लिखूँ तो n - mg = mv² / r, तो आप यहाँ पर देखो mb का वैल्यू मेरे पास आ गया mg + mv² / r।
यानी कि अंडर ब्रिज में तो कांटेक्ट छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है, बॉडी हमेशा चिपक के चलेगी। कांटेक्ट छोड़ने का चांस कौन से ब्रिज में, ओवर ब्रिज में, वो भी जितना नैरो होता चला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन उतनी कम होती चली जाएगी और कांटेक्ट छूटने का चांस मैक्सिमम। जब हम इसे अंडर रूट आरजी की वेलोसिटी से फेंकेंगे तो फिर इस सिचुएशन में ये कांटेक्ट छोड़ जाएगा और प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। जैसे इस पे बेस्ड भी सवाल मैं आपको दिखा दूँ, जैसे ये कहता है ये एक हेमिस्फीयर है, खूब देखा होगा आपने ये, ठीक है ना, हेमिस्फीयर पे आर रेडियस का हेमिस्फीयर है, कहता बताओ कितनी वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट करें कि ये कांटेक्ट नहीं छोड़ जाए। तो बिल्कुल ओवर ब्रिज जैसा ही तो है, हमें तो पता अंडर रूट आरजी है, तो हमने अंडर रूट आरजी की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, डायरेक्ट ही कर दिया। कैसे किया, कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन जीरो कर दी और वी की वैल्यू निकाल दी अंडर रूट आरजी। अब ये कहता ठीक है चलो ये तो तुमने बता दिया, अब ये बताओ ये कहाँ गिरेगा, तो हमें ये रेंज भी निकाल करके देनी है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गई, तो हमने ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लगा दी, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, समझ रहे हो, यहां से हम एक्स की वैल्यू दे देंगे, वाई हमारा हो गया आर के बराबर टू, यू स्क्वायर की जगह मेरे पास आ गया आर जी बाई जी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जी से जी कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई रूट टू टाइम्स आर। तो रूट टू आर डिस्टेंस पर जाकर के ये यहां गिरेगा, यहां से कितना दूर गिरेगा 0.414 आर। तो आई थिंक अब आपको सर्कुलर का एक एक कंसेप्ट डिटेल से मैंने बता दिया, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे अंडर ब्रिज हो, चाहे लूपिंग द लूप हो, चाहे रॉड हो, चाहे UCM हो, चाहे NUCM हो, A to Z अब आपके कंसेप्ट इसके अंदर क्लियर है। अब इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे चलना।